और पोर्शे कार अचीवर, द मोस्ट लविंग, द मोस्ट हम्बल पर्सनैलिटी एवर रेडी टू हेल्प, इनको हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। वेलकम टू यू राजेश। स्वामी थोड़ा समय ज्यादा लग गया, कुछ टेक्निकल इश्यू आते हैं, वैसे कोई नई काम करे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं। एंड वंस अगेन स्वामी आप लोगों को, और अभी जैसे संतोष वायल सर जो बता रहे थे कि उन्होंने लाइफ में जो स्ट्रगल किए, तो मैं एक चीज कहना चाहूँ, देखिए हर इंसान के लाइफ में ना स्ट्रगल का दौर आता है, लेकिन उस स्ट्रगल में आप कैसे खड़े रहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वायल फैमिली साथ में मिलके खड़ी रही, संकेत सर है, संतोष सर है, उनके भाई साहब है, सारे लोग मिलके एक साथ में लड़े, तब जाके आज अपने उस मुसीबत वाले दौर से बाहर आए। अगर वैसे ही आज माई लाइफ स्टाइल बिजनेस अगर हमारे साथ, उस वक्त तो उनके साथ माई लाइफ स्टाइल भी नहीं थी, उनको बहुत देर से मिली ये बिजनेस, लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को लिया, आज उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। आज यही चीज हमारे सामने भी है। अब आपको सोचना है कि हमें इस बिजनेस में क्या हासिल करना है। अभी तक का माहौल देखा जाए तो लॉकडाउन का माहौल था, अब ये अनलॉक का माहौल है, अनलॉक वन आ चुका है, यानी हम लॉकडाउन से बाहर आ चुके हैं और अब अनलॉक में आ चुके हैं। और इस अनलॉक में एक चीज समझ में आई है कि गवर्नमेंट ये कह रही भाई अब धीरे धीरे आप काम धंधे पे लगिए। जैसे हम स्ट्रगल की बात करते, मुश्किल की बात करते, आज पूरी दुनिया में एक साथ इतना बड़ा मुसीबत शायद मैंने तो अपने लाइफ में कभी नहीं सुना था। चलो कहीं ऐसा तो वर्ल्ड वॉर में होता था, आज पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है एक साथ एक बड़ी बीमारी से लड़ रहा है, और पूरी दुनिया नियर अबाउट लॉकडाउन में थी। धीरे धीरे माहौल चेंज होते जा रहा है, लोग इससे बाहर आ रहे, तो लाइफ में ऐसे मुश्किलें आते रहती। अब ये ऐसी मुश्किल है ना जो किसी एक इंसान की मुश्किल नहीं है, किसी एक देश का भी नहीं है, ये पूरी दुनिया का है, या ये कह सकते ये पूरे मानव जाति के लिए आ चुकी है एक ऐसी बीमारी जिसने ये बता दी कि मुसीबत क्या हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इस मुसीबत में भी हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग इससे बाहर आ रहे, पूरी दुनिया ने दिखा दिया है। अगर इंसान के ऊपर कोई चैलेंज आए और हम चाहे तो उससे लड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आज का समय जो आज हम सब लोगों ने दिया है। और अब धीरे धीरे उस लॉकडाउन से बाहर आते हुए अनलॉक में आ चुके हैं। तो मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका फाइट किया, कोरोना के साथ लड़े, COVID-19 के साथ लड़ते हुए हम यहां तक आज पहुंचे, और मुझे पूरी उम्मीद है ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्द हम सब लोग इससे बाहर आएंगे और पहले जैसा सारा लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। थैंक्स फॉर आप लोगों का, आप लोगों ने सारे नियम फॉलो किए, अपने आप को उस तरह से तैयार किया, आप इससे बाहर आए। लेकिन इस बीमारी का कुछ इफेक्ट्स भी है। क्या इफेक्ट्स है इसके हमारे लाइफ पे? बहुत बड़ा इफेक्ट्स ये छोड़ के जाएगा। और एक चीज याद रखिए, अब आने वाली पूरी लाइफ यानी आने वाली अगली जनरेशन भी इस चीज को याद रखे कि एक समय दुनिया में ऐसा आया था जब सब कुछ टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, इस वक्त साइंस बहुत आगे जा चुका है और दुनिया भर में नई नई इन्वेंशन हो रही है। यानी आज दुनिया इतनी तरक्की करने के बाद भी एक छोटा सा वायरस आज हम सब लोगों को घर में बिठा दिया है। बड़े से बड़े लोग, कितना बड़ा बाहुबली हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, किसका भी हालत हो, लेकिन आज वो सब अपने आप को बंद पाए, सब लोगों ने अपने आप को असहाय पाया, मुश्किल हालत में, यानी कुछ नहीं कर सकते। इसका इफेक्ट्स बहुत बड़ा होगा। क्या इफेक्ट्स होगा इसके? कुछ चीजों पे होगा, जैसे फिजिकली इफेक्ट्स तो हो ही गए, लेकिन फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट्स है। यानी हमारे हेल्थ पे फिजिकल और मेंटल, ये दो इफेक्ट करेगा। और तीसरा एक इफेक्ट्स सोशल इफेक्ट्स भी होगा। तो आज हम सब लोगों की तीनों से लड़ना है। फिजिकल जो चैलेंज है हम सब लोगों को, हम सब इससे लड़ भी गए। और आपसे मैं एक बार फिर वही निवेदन करूंगा जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, गवर्नमेंट हमें बता रही है, ये कि आपको अपने सारे प्रिकॉशंस फॉलो करना है अगर फिजिकली फिट रहना है तो। और इस फिजिकल लड़ाई में एक चीज और है हमारे साथ, वो ये है आज हम माई लाइफ स्टाइल बिजनेस में वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट हमें दे रही है, तो वो फिजिकल इफेक्ट्स हमारे ऊपर नहीं आएगा। देखिए सरकार भी हमें बता रही है कि आपको कुछ आयुर्वेदिक चीजें लेनी है, हमको ये बताया कि सिट्रस वाली चीजें ज्यादा खाइए, नींबू वगैरह की चीजें ज्यादा इस्तेमाल करिए, लेकिन ये मिनिमम चीजें हैं, ये छोटी चीजें हैं। आप इसमें अगर आप आयुर्वेदा की सारी चीजें ऐड कर लेते जो माई लाइफ स्टाइल देती है,
तो फिजिकली आप हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो कोरोना का इफेक्ट हमारे शरीर पे बहुत कम होगा। जैसे कि हमारे पास 9-5 है, चवन प्रवास है हमारे पास, कवच प्रवास जो हम बोलते हैं उसे, इसके साथ हमारे पास इम्यूनो 3 है और स्पिरुलिना गोल्ड है, वन ऑफ द बेस्ट। ये अगर चार चीजों भी आप लेते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ फिजिकली आप हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। और इसके साथ हमारे अदर ऑर्गन्स के लिए कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें दिए, लीवर के लिए अलग दिए हैं, आपके हार्ट्स के लिए अलग दिए, ब्लड प्योरीफाई करने के लिए अलग दिए, डेली डिटॉक्स अलग दिया गया है, हर चीजों का है। यानी आप फिजिकली बहुत फिट रह सकते। कोरोना कब कहां कैसे आएगा ये मैं भी नहीं जानता हूं, आप भी नहीं जानते। और अभी अनलॉक होने के बाद इसका रेशियो कई गुना बढ़ेगा, पहले से बहुत बढ़ेगा। इवन लॉकडाउन में तो हम अंदर थे, अनलॉक में हम धीरे धीरे बाहर आवे। तो आपसे फिर एक बार, आप जब बाहर निकलोगे तो फिजिकली फिट रहिए। और उसके लिए एक ही निवेदन, आप हमारे प्रोडक्ट प्लीज यूज करते रहिए। होता क्या है, हम ये प्रोडक्ट लेते हैं और मैं ये सोचता हूं मैं दूसरे को दूंगा, दूसरे खाएंगे उनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, लेकिन भैया मेरी हेल्थ कब अच्छी होगी या मेरी फैमिली की कब अच्छी होगी? आप ये गलत सोच में मत रहिए कि मुझे कुछ नहीं होने वाला। आप ये मत सोचिए कि पूरी दुनिया को होगा लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा या मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। इससे कोई भी बचने वाला नहीं, इससे वही बचेगा जो फिजिकली मेंटली हिट रहेगा, यानी फिट रहोगे आप। और उसके लिए आपको फिजिकल फिट होने के लिए सबसे बेस्ट है हमारे ऑन एंड ऑन ऑफ एलिमेंट्स के प्रोडक्ट, आप लगातार यूज करते रहिए। और अगले 6 महीने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले 6 महीने अगर आप ये 3-4 चीजों का डेली इस्तेमाल करेंगे तो आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। इवन दो अगर कोरोना आ भी गया, देखो ये आ सकता है, ऐसे नहीं कि नहीं आएगा, ये किसी को भी आ सकता है। अगर ये आ भी गया तो आप इससे बड़ी आसानी से फाइट कर लेंगे, आप इससे लड़ लेंगे। और आज आपको पता होगा, आज हमारे हॉस्पिटलों में जगह नहीं है लोगों को एडमिट करने के लिए। अगर ये, अब गवर्नमेंट ने एक नई सिस्टम निकाली, शायद आपको पता होगा, उन्होंने ये कहा जिनको ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है उनको हॉस्पिटल भी आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में रहिए और आप वो मेडिसिन वगैरह खाते रहिए, आप घर के अंदर होम क्वारंटाइन हो जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। ये कौन ठीक होगा? जो फिजिकली फिट है, यानी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, तो आप बड़ी आसानी से कोरोना से फाइट कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इससे फाइट करने के लिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हमारे प्रोडक्ट्स प्लीज प्लीज खुद पहले इस्तेमाल करिए, अपनी फैमिली को पहले दीजिए, बाद में दूसरे को बेचने जाइए। बेचना तो है लेकिन पहले खुद से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप फिजिकल फिट रहिए। आज जो माई लाइफ स्टाइल में नहीं है, जो हमारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, उनको फिजिकली फिट रहना चैलेंज है, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा आसान है क्योंकि हम फूड के साथ साथ सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं। इसलिए आप फिजिकल हमेशा फिट रहेंगे और कोरोना से लड़ सकते हैं अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल रेगुलर करते रहेंगे। आने वाले 6 महीने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेंटल फिट रहने के लिए सबसे बेस्ट देखिए आज क्या है, आज आप ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हो जहां पे हजारों लोग आपको ये बता रहे हैं कि तू कोई चिंता मत कर, तू ठीक रहेगा, तू मेंटली, यहाँ वो पॉजिटिव ट्रेनिंग हो रही है, नए नए लीडर्स को मिले हुए, आप ये देख रहे हो लोगों की आमदनी आ रही, लोग पैसे भी कमावे। अगर आप फिजिकल फिट हो और पैसा भी आ रहा है तो मेंटल फिट तो रहोगे ही रहोगे भाई। अगर आज कौन मेंटली डिस्टर्ब है, आप देखिए आपके आसपास देखिए कौन डिस्टर्ब है ज्यादा, जिनके पास बैंक बैलेंस नहीं है। कौन डिस्टर्ब है? जिनकी जॉब की गारंटी नहीं है। कौन डिस्टर्ब है? जिनका बिजनेस नहीं चल रहा है, ये मेंटली डिस्टर्ब है। लेकिन हमारे लोग आज बहुत खुशहाल है क्योंकि उनको एक इनकम सोर्स है, आज वो हर हफ्ते पैसा ले रहे। आप कई लोगों को देखिए आज महीने की लाखों रुपए इनकम ले रहे। अभी संकेत सर का मैं एग्जांपल ले लूं तो लास्ट मंथ उन्होंने आपको एक सारे फेसबुक वगैरह सारे सोशल मीडिया पे भी उन्होंने अपनी इनकम हाईलाइट की थी, तकरीबन 5.5 लाख से ज्यादा की आमदनी उन्होंने कमाई है। कितनी बड़ी बात है सर, इस लॉकडाउन पे जहां पे दुनिया अपनी मंथली इनकम नहीं सोच पा रही कि 10-20 हजार मैं कमा लूंगा, मेरी जॉब की सैलरी भी आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग लाखों में कमावे, तो मेंटली तो हेल्थी रहेगा ही रहेगा भाई। और तीसरी चीज सोशली, सोशल भी हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आज कोरोना में लोग किसी को मिलना नहीं चाहते हैं,
लोग अपने घरों में किसको लेने के लिए तैयार नहीं, हम भी जाना नहीं चाहते, लेकिन इस जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हजारों लोग हमसे जुड़ गए। जैसे मैंने कहा अभी दो दिन तीन दिन पहले हमने जो MIDG नेशनल कन्वेंशन किया था, 30,000 से ज्यादा लोगों ने उसे देखा। ये सोशल अटैचमेंट कितनी बड़ी चीज है आप सोचिए, ये तीनों चीज फिजिकल मेंटल सोशल हेल्थ कहीं मिल रहा है तो एकमात्र प्लेटफॉर्म है, दैट इज द माई लाइफ स्टाइल, जो मेरे पीछे बैकग्राउंड आप देख रहे हैं। ये माई लाइफ स्टाइल ये तीनों चीज दे रही है। आज ये लोग जो माई लाइफ स्टाइल में नहीं है, इन तीनों चीज से फाइट कर रहे, उससे लड़ने की कोशिश कर रहे, इसे बचने की कोशिश कर रहे। लेकिन आज हमारे यहाँ बहुत सौभाग्यशाली हैं जो लोग माई लाइफ स्टाइल बिजनेस में, जो सीरियसली बिजनेस कर रहे और वीकली और मंथली का पैसा ले रहे। ये बहुत बड़ी बात है, हम इससे लड़ पावे कोरोना से। और तीसरी चीज आप देखिए, कोरोना के एक इफेक्ट हो है जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स में आपको बता रहा था, आज मार्केट की डाउन है पूरी पोजिशन, हर बिजनेसमैन, हर नौकरी करने वाला, हर छोटा मोटा व्यापारी आज दुखी है। लेकिन माई लाइफ स्टाइल के लोग दुखी नहीं है, क्योंकि माई लाइफ स्टाइल का बिजनेस डाउन नहीं है, माई लाइफ स्टाइल का बिजनेस अप है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या वजह ये ऊपर की तरफ जा रहा है? क्योंकि आज हम वही सारी चीजें दे रहे जो लोगों की जरूरत है, जैसे कि हेल्थ सप्लीमेंट आज हम दे रहे, जो वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट है। दूसरी चीज, आज हर महीने की आमदनी लोग कमावे, हफ्ते की आमदनी कमावे। तीसरी चीज, अब घर में लगने वाली सारी जरूरत की चीजें माई लाइफ स्टाइल आपको दे रहा है, जिनकी दुकानें बाजार में लॉकडाउन में भी शुरू थी, वही चीजें आज माई लाइफ स्टाइल भी दे रहा है आपको। तेल दे रहा है, शैम्पू दे रहा है, साबुन दे रहा है, फ्लोर क्लीनर दे रहा है, टॉयलेट क्लीनर दे रहा है, डिश वॉशर दे रहा है, चाय दे रहे, मसाले दे रहे, यानी सब चीजें आपको मिल रही है। सोच के देखिए, तो हमारी इकोनॉमी मार्केट में डाउन है, लेकिन माई लाइफ स्टाइल की डायरेक्ट सेलिंग की इकोनॉमी अपग्रेड में, ये सबसे बड़ी बात है। और एक और इफेक्ट आज इसका जो मैंने आपको बताया अभी, इनकम सोर्स पे, लोगों की नौकरी पे, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, कितना आएगी कम, आप लोगों ने काफी लोगों ने सुना होगा लोगों की सैलरी 30% हो गई है। मेरी एक टीम है, सिलवासा में काम करते हैं, वहां के लीडर, और आप जैसे जानते हो वापी सिलवासा जो बेल्ट है गुजरात के पास, उस गुजरात में वापी सिलवासा के अंदर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज है। और मेरे काफी लीडर से वहां पे जो ये बताते, सब आज हमारी कंपनी का ये हालत है, हमको ये बताया गया है कि भैया तू घर पे नहीं जाएगा, तू कंपनी में ही रहेगा, यानी उसे 24 घंटे के लिए फैक्ट्री में रखा गया है, 24 घंटों फैक्ट्री में रहेगा। दो ऑप्शन है, घर जाना चाहता है तो वापस आना नहीं काम पे, सोच के देखिए, घर जाना चाहता है तो तेरी जॉब गई, तुझे जॉब बचाना है तो पहला नियम तू फैक्ट्री में रहेगा, क्वारंटाइन, फैक्ट्री क्वारंटाइन बोल सकते हैं उसको, उसने वहीं पे रखा है सारे लेबर को। दूसरी चीज, सैलरी 30% मिलेगी, सोच के देखिए, 30% सैलरी, बोलता सर मेरी सैलरी 60,000 है और मुझे 30% मिला, यानी 18,000 रुपए केवल उसको मिले, आप सोच के देखिए 18,000। और आप अगर फैक्ट्री में हो तो पहले 8 घंटे की शिफ्ट थी उनकी, अभी कंपनी केवल 2 शिफ्ट चला रही है 12-12 घंटे की, सोच के देखिए 12 आवर्स की ड्यूटी हो गई, पहले 8 घंटा 60,000 मिल रहा था, अभी 8 घंटा 18,000 मिल रहा है 24 घंटे फैक्ट्री के अंदर। मैं उसको पूछा केवल आपकी कंपनी का हाल है, बोलता सर इस बेल्ट में जितनी इंडस्ट्रीज है 80% इंडस्ट्रीज का हाल यही है, 80%, सोच के देखिए। ये सिचुएशन हर किसी के पास है, और जो टॉप क्लास के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी सैलरी की कोई गारंटी नहीं है। और उसने कहा अप्रैल महीने में तो सैलरी आई, लेकिन मई महीने में कंपनी ने सीधा बोल दिया मई महीने में नहीं मिलेगी आपको, आप खुद का मैनेज करिए। अब जून महीने की हालत पता नहीं क्या है, ये सिचुएशन है। मेरे एक लीडर है जो इंदौर में है, और मतलब मेरे एक लीडर की टीम में है, उनकी वाइफ इस बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी समय ZTC लेवल पे है। उनके हस्बैंड की इंदौर में जॉब 2,00,000 रुपए की, 2,00,000 रुपए की, ही इज अ VP वाइस प्रेसिडेंट है वहां पे फाइनेंस में। और मई महीने में उनको लेटर आया कि 1 जून से आपको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। सोच के देखिए, 2,00,000 का पेमेंट 1 महीना पहले, 30 डेज पहले नोटिस देके ये बता दिया गया आप जॉब पे नहीं आएंगे। उनका बेटा इस समय विदेश में पढ़ रहा है,
बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़ रही है, घर का लोन है, गाड़ी का लोन है। और वो मैडम का ये कहना, सर आज ये हालत है, 2-3 महीना तो हम कैसे भी चला लेंगे, लेकिन डर है अगर 2-3 महीने में नया जॉब नहीं मिला तो पता नहीं हमारे घर की हालत क्या होगी। यानी आज 2 लाख कमाने वाले लोग भी 2-3 महीने से ज्यादा अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहे। सोच के देखिए, सब कुछ ईएमआई पे। और एक हमें एक आदत लगी हुई थी अपनी पूरी लाइफ ना ईएमआई के भरोसे चलाने की। और ये बहुत बड़ा एक सबक है हम सब के पास कि आज ईएमआई के भरोसे जिनकी गाड़ियां चलती है, जब लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तब हम बहुत मुश्किल हालत में अपने आप को पाते हैं। और आज ये मुश्किल हालत हमारे समाज में कईयों लोगों के पास है। आज इनकम सोर्स की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इनकम बंद हो गया है, शट डाउन हो गया है, लेकिन क्या एक्सपेंसेस शट डाउन होंगे? नहीं, हम ज्यादा ज्यादा कट डाउन कर सकते, एक्सपेंसेस कम कर सकते। कौन से एक्सपेंसेस आप कम करेंगे बताइए आप? ईएमआई कम होगी आपकी? नहीं होगी। सरकार ने कहा 3 महीने तुझे ईएमआई नहीं देना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कहा कि 3 महीने का इंटरेस्ट जो है आगे लेने वाले। यानी आज अगर आप ईएमआई नहीं देते हो 3 महीने, तो लिख के लो आप इस 3 महीने का ईएमआई जो है अगर आपने नहीं दिया है ना, इसका 3 नहीं वसूलेंगे, 6 भी नहीं, कम से कम 9 वसूलेंगे। यानी आपकी ईएमआई 10,000 है, आपने 3 महीने नहीं दी, 30,000 रुपए नहीं दिए, तो आपसे 60,000 नहीं 80,000 से 90,000 लिया जाएगा एट द एंड ऑफ योर मैच्योरिटी, जब लोन खत्म होता है उस वक्त। सोच के देखिए, यानी एक गिमिक है हमें मानसिक ये बताने के लिए, चलो भाई 3 महीने के लिए मैं बच गया। तू बचा नहीं भैया, 3 महीने टाइम पास हुआ है, इससे डबल नहीं ट्रिपल वसूलेगी। यानी कट डाउन आप ईएमआई नहीं कर सकते तो क्या करोगे आप? घर के खाने पीने का कट डाउन कितना करोगे आप? सोचिए। और एक चीज इस लॉकडाउन में समझ में आया, ये घर का खर्च हमारा ज्यादा नहीं होता है, हम 4-6 हजार में घर चला सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत अच्छा लेविज भी करोगे तो 8-10 हजार। लेकिन ज्यादा खर्च क्या होता है पता है? आपकी ईएमआई होती है गाड़ी की, घर की, ये ज्यादा एक्सपेंसेस है। बच्चों का एजुकेशन, ये ज्यादा एक्सपेंसेस है। आप बताइए ना, कौन से कॉलेज ने, कौन से स्कूल ने ये कहा कि लॉकडाउन के वजह से आप फीस मत भरिए? कहा किसी ने? उल्टा लिया, आपके सारे फीस लिए उन्होंने, क्योंकि उनका भी सही है, भैया आप फीस नहीं दोगे तो हम टीचर को कैसे संभालेंगे, हम अपने स्कूल को कैसे संभालेंगे। यानी आपका एक्सपेंसेस थोड़ा बहुत कट होगा, ज्यादा नहीं, वो तो वैसे ही चलते रहेगा। अब इसका नतीजा क्या निकला? इनकम कम, एक्सपेंसेस वैसे ही। नतीजा क्या निकला? स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, लोग मानसिक बीमार होने लगे। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, वो ये कहती है इस 2 महीने के लॉकडाउन में लोगों को घरों में बिठाने से हम कोरोना को तो रोक पाए, लेकिन हम मानसिक बीमार लोग बढ़ा दिए। हमारे समाज में कई सारे लोग ऐसे हैं जो आज काफी ना इस लॉकडाउन में चिड़चिड़े बन गए, बहुत गुस्से वाले बन गए, झगड़ालू प्रवृत्ति के बन गए। और कई घरों में आप देखेंगे शुरू के 10-15 दिन सब अच्छा था, और 10-15 दिन के बाद घर घर की कहानी चालू हो गई। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी फैमिली होगी जो इस 2 महीने के अंदर आपस में लड़ाई नहीं की होगी, किसी ना किसी बात से तो लड़े ही होंगे हम लोग। ये सिचुएशन है। अब हम ये इफेक्ट से कोरोना का, लेकिन मैं वही बताऊं जो माई लाइफ स्टाइल में है ना, उनको इसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो माई लाइफ स्टाइल में नहीं है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है लाइफ, उनकी लाइफ बहुत एडजस्टमेंट करने वाली है, बहुत एडजस्टमेंट। और इससे एक चीज समझ में आया हो ये हमें कि इन दिस लॉकडाउन पीरियड दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें आ गई, घर घर में मुश्किलें आ गई, बट वी आर ब्लेस्ड बिकॉज अवर माइंड एंड ब्रेन इज स्टिल वर्किंग। आज हमारा दिल और दिमाग आज भी सही सलामत काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग सुखी हैं और हम लोग इस बीमारी से बचे हुए हैं, और आज हम बहुत लोग खुश, इसलिए वी हैव टू गिव द थैंक्स। हमें इस निसर्ग को, इस नेचर को, इस भगवान को, इस गॉड को थैंक्स देना चाहिए कि हम लोगों को ये बुद्धि दी, हम ऐसे बिजनेस में आ गए
जहां पे हम इन सारी चीजों से बचे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सच कहता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारे किसी पूर्वजों के जन कर्मों का फल है, या हमने कुछ अच्छा काम किए होंगे पिछले जन्मों में जो इसे मानते हैं उनके लिए, कि आज हम इस बिजनेस में आ चुके हैं जिससे कि हम इससे बच चुके हैं। और आप सोच के देखिए, इस कोरोना के समय में जब सारी दुनिया एक टेंशन में है और ये सारी दुनिया सोच रही है आज कि यार काश एक दूसरा इनकम सोर्स होता मेरे पास, एक नौकरी के अलावा भी एक बिजनेस करने का काम, एक कहीं से तो आमदनी में आती थी मेरे पास, क्यों मैंने जिंदगी भर केवल जॉब के भरोसे बैठा, क्यों मैं पूरी लाइफ एक दुकान के भरोसे बैठा, क्यों मैं पूरी लाइफ एक ही काम में अपनी जिंदगी को झोंक दिया। और आज सब कुछ बंद होने के बाद उसे समझ में आया कि अब पैसा तो आ ही नहीं रहा, और वो सोच रहा है कि अगर मैंने दूसरा मौका ले लिया होता कहीं से तो कितना अच्छा था, और हम कितने लकी हैं कि मैं तो बोलता हूँ दुनिया के सबसे लकीस्ट लोगों में हैं जिसे भगवान ने कुछ साल पहले ये बुद्धि दी और वो इस बिजनेस के अंदर आया, माई लाइफ स्टाइल के अंदर। और आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे पास दुनिया की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है MI Lifestyle Marketing Global Private Limited। Really thanks, thanks, जितना thanks कहूं इसका उतना कम है। इसने हमारे जिंदगी में आकर के हमें इस आज इसकी कीमत हमें बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। क्या है ये, जिन लोगों ने इस बिजनेस का मजाक उड़ाया, जिन लोगों ने इस बिजनेस, कई लोग इस बिजनेस में एसोसिएट तो हो गए लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो सीरियस ही नहीं हुए इस बिजनेस को लेके। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत काम किया लेकिन आगे काम नहीं किए क्योंकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए थी। और मैं हमेशा बोलता हूँ इस बिजनेस में कई बार तुरंत रिजल्ट नहीं आते हैं, आप जो चाहते हैं आपको इमीडिएट नहीं मिलता है और लोग हताश हो जाते, निराश हो जाते, छोड़ देते। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ, टैलेंटेड लोग, हाँ बहुत अच्छा टैलेंट, लेकिन बस इंस्टेंट नहीं मिला। मैंने काम किया 2 महीने कुछ नहीं आया, अब क्या मतलब है काम करके, इसमें कुछ नहीं होता है, यानी नेगेटिव धारणा बना ली। इन सब का दुर्भाग्य था, बाकी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो टिके रहे, जो लगातार मेहनत करते रहे और इस माई लाइफ स्टाइल में आके छोटी सी मुकाम हासिल किए, कोई DTC बना, कोई STC बना, कोई RTC बना, आज ये सब लोग इस माई लाइफ स्टाइल से बहुत अच्छी इनकम ले रहे, बहुत अच्छी। जो NTC एंड अबव बैंक में गए उनकी तो बात ही अलग है, आज इस लॉकडाउन में भी वो लाखों रुपए कमा रहे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, जिन लोगों ने बिलीव किया उनको ये समझ में आया कि ये बिजनेस में भी जिंदगी में क्या दे सकता हूं। आज के माहौल में ना ये बहुत ज्यादा समझ में आया लोगों को, बहुत ज्यादा, कि इसका इंपॉर्टेंट क्या है। आप सोच के देखिए ना सर, आज कौन सा ऐसा काम है जो इस दुनिया के बंद होने में भी 5 लाख 10 लाख रुपए महीने का कमा के देता है कोई काम? हफ्ते की इनकम सर, हफ्ते की इनकम, संकेत सर ने बताया 5.5 लाख रुपए कमाए, हमारे कई लीडर है, किशोर वैवे साहब ने बताया 17 लाख रुपए कमाए, ऐसे कई लीडर्स है, नाम लो उतने कम है। कौन सा बिजनेस दे सकता है आप सोचिए ना, जिसने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, बड़े बड़े शोरूम खोल के बैठे थे, अब उनको नाज होता था। मैं नहीं बोलता उनका काम गलत है लेकिन इस मौके पे उस काम ने उनको वो मदद नहीं की, उनको आमदनी नहीं दी और वो आज एक लाइबिलिटी में आ गए। सोच के देखिए आप, ये चीजों को सोचने की जब हम कभी सीरियस ही नहीं होते ना अपने आप को लेके, गड़बड़ी है कि इतना अच्छा मौका अब समझ में आया, यार काश मैं थोड़ा काम कर लिया होता, थोड़ी सी टीम बना लिया होता और आज इस बिजनेस में मैं कहां पे होता था, ये नहीं समझ में आई। मैं आपको वही बताना चाहता हूं माई लाइफ स्टाइल बिजनेस कैसे आपको हेल्प कर सकती है इस लॉकडाउन पीरियड में, या इस माहौल में आप कैसे पैसे कमा सकते हो, क्या ये पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। और पॉसिबल ही नहीं है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो डायरेक्ट सेलिंग ही होगी, उसके अंदर माई लाइफ स्टाइल नंबर 1 पे रहेगी। लोगों के घरों में पैसे पहुंचाने में, लोगों की हेल्थ अच्छी बनाने में एकमात्र ये होगा। और इस केवल लॉकडाउन नहीं, दुनिया में कितनी भी चीजें आ जाए लेकिन इस बिजनेस में अगर एक बार आपने अपना बिजनेस खड़ा कर लिया तो आपकी इनकम कभी बंद नहीं हो सकती है, ये चीज तो है। और ये आप कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। और एक चीज ये बताऊंगा,
कि कैसे मैं माई लाइफस्टाइल में सक्सेस हुआ, मैंने ऐसा क्या काम किया कि मैं माई लाइफस्टाइल में अच्छा इनकम ले पाया, उसकी वजह क्या रही, जानना चाहोगे आप लोग? थैंक यू सर, कुछ लोग मुझे थम्स दिखावे तो थैंक यू। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहली चीज इस बिजनेस में मेरा सक्सेस होने का तीन चीज रहे हैं, तीन चीज जो मैंने किए हैं। पहली चीज लर्न, मैंने बिजनेस को सीखा, ये बिजनेस है क्या। मैं हमेशा कहता हूं बिजनेस को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सीखना नहीं चाहते हैं। आप सीखिए, आप जैसा सोचते हैं वैसा बिजनेस नहीं है, ये गलत सोच पहले निकाल दो। पहली चीज जो मैंने की हो, ये मैंने बिजनेस को सीखा, ये बिजनेस है क्या। और सीखने के बाद फिर मैंने दूसरा काम चालू किया, अप्लाई किया इसे, जो मैंने सीखा उसे मैंने इस्तेमाल किया, अप्लाई किया। लोग मीटिंग में आते, ट्रेनिंग में आते, सीखते तो है लेकिन अप्लाई करना भूल जाते, या कुछ दिन करते कुछ दिन के बाद बंद कर देते। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको मैं हमेशा कहता हूं माई लाइफ स्टाइल अगर आप करना चाहते हो और कुछ अचीवमेंट चाहते हो तो मिनिमम 5 साल, 5 साल आपको ये बिजनेस में देने ही है। महीने, 2 महीने, 6 महीने में कुछ भी नहीं होता है, 5 साल मिनिमम दीजिए। इससे ज्यादा देंगे तो और बड़ी इनकम आएगी, मतलब 5 साल मिनिमम। भले पार्ट टाइम, मैं नहीं कहता हूं 5 साल फुल टाइम करना है, नहीं। आप बोलेंगे मैं भी दुकान है भैया, तो दुकान चला फिर माई लाइफ स्टाइल कर। आप बोलेंगे मैं जॉब पे हूं, पहले तो जॉब कर फिर माई लाइफ स्टाइल कर। लेकिन दिन के 3-4 घंटे तू दे बस, भगवान ने 24 घंटे दिए भाई हमको, 24 घंटे, मैं कितना बोल रहा हूं, 3-4 घंटे, 20-21 घंटे आपके, आपको जो करना 20-21 घंटे में करिए, 4 घंटे तो माई लाइफ स्टाइल कर ले। अगर दिन के आप 3-4 घंटे निकाल लिए तो ये अप्लाई कर लोगे जो आपने सीखा। और तीसरा काम जो मैंने किया हो, ये इसी चीज को मैंने अपने लोगों को सिखाया, डुप्लीकेट करना। भैया मैंने ये काम किया, आप भी यही करो, मैं बिजनेस सीखा, मैंने इस तरह से अप्लाई किया, आप भी करो, यानी डुप्लीकेट करना। इसी चीज को उनसे भी कराना जो अपने साथ आते हैं, उनको भी ये काम करवाना। बस ये 3 स्टेप मेरे सक्सेस का पूरा चीज है, सीखो उसे इस्तेमाल करो, अपने लोगों को भी यही कराओ, आप इस बिजनेस में बहुत सक्सेस बन जाएंगे। देखो मैंने पहले कहा मुझे इस बिजनेस का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, उल्टा मेरा नेगेटिव नॉलेज था, फिर भी मैं इसमें कामयाब हुआ ये 3 स्टेप के वजह से। क्यों मैं कामयाब हुआ, ऐसी कौन सी चीजें थी, क्या था वो जिस वजह से मैं इस बिजनेस में इतने पैसे कमा पाया, मैंने बहुत सारे लीडर्स कमा पाए, ऐसी क्या चीजें थी जो संकेश जी कमा लिए, ऐसी क्या चीजें थी जो यहाँ पे बाकी के लोगों ने कमा लिया, इसकी वजह मैं भी वजह मैं आपको बताता हूँ, मेरा वाई। आप कई सारे मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हो, वहां पे बार बार आपको बताया जाता है भाई आपका वाई क्लियर करो, वाई क्यों बिजनेस करना है। मेरा वाई बहुत ही क्लियर था, मैं इस बिजनेस में आने से पहले नेटवर्क इंडस्ट्री में एक अनुभव ले चुका था, डायरेक्ट सेलिंग का मेरा एक अनुभव इसके पहले था, इस मैनेजमेंट में माई लाइफस्टाइल के साथ आने से पहले। मैं इवन मेरे कॉलेज लाइफ से, जब मैं कॉलेज कर रहा था, जब मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, मैंने बीकॉम किया, उसके बाद मैं एमबीए की तैयारी कर रहा था, साथ में मैं पोस्ट ग्रेजुएट एमकॉम भी कर रहा था। मैं एमकॉम और मेरा एमबीए इसकी तैयारी में लगा था, उसी बीच में मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताई डायरेक्ट सेलिंग की, किसी और कंपनी की थी वो। एनआरआई लोगों का एक ग्रुप था जो कैनेडा से आके हिंदुस्तान में वो लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लेके आए थे, ये बात है कभी 96-97 की। 96-97 में जब मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए की तैयारी में था, उस वक्त मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग को देखा, बहुत अर्ली स्टेज था हिंदुस्तान में, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उस वक्त मुझे ये देखने का मौका मिला। मुझे कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, और एक स्कूल में मुझे लेके गया, वहां पे कुछ 10-20 लोग बैठे थे, उसके बीच में मुझे बिठाया, बोला कि सुन यहाँ तुझे एक चीज सिखाया जाएगा, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, देख क्या है। मैं भी देखा, बोला चलो भाई बैठना है, बैठ के देखता हूँ। और देखा मैंने, और मुझे ये, मैं इस बिजनेस से बहुत इम्प्रेस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बोला यार क्या बिजनेस है, यहाँ पे तो कुछ लगाना नहीं है, और ये बोलते इतना पैसा। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वहां पे ना एनआरआई लोग आए थे, एनआरआई आप समझते हो जो इंडियन है लेकिन विदेश में रहते हैं,
और वो बोले मैं 20 साल से कनाडा में हूँ, अब इतने साल था मैंने वहाँ ये किया वो किया और इस इंडस्ट्री ने हमको मिलीनियर्स बना दिया। बोला यार इतना पैसा आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं उस बिजनेस में एसोसिएट हो गया और मैं अपनी एमकॉम एमबीए साथ में ये बिजनेस करने लगा और धीरे धीरे मुझे इस बिजनेस में इतना मजा आने लगा, यानी मैं इसका एक क्या बोल सकते हैं दीवाना बन गया मैं इस बिजनेस का। और फिर मैंने मुझे एमबीए में एडमिशन मिला हुआ देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर मध्य प्रदेश में, मैंने एमबीए नहीं किया, मैंने मेरा एमकॉम कंप्लीट किया और मैं ये बिजनेस करने लगा। फुल टाइम मैंने बिजनेस किए और उस ऑर्गेनाइजेशन में उस कंपनी में मैंने करीब करीब 3-3.5 साल काम किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं किया वहां से। यानी बिजनेस सीखा लेकिन पैसे के रूप में मॉनेटरी जो बोलते पैसा मैंने नहीं कमाया। तो मुझे ये लगा यार शायद ये इंडस्ट्री में पैसा नहीं है या मैं फेल हूँ, मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बिजनेस छोड़ दिया, मैंने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दी। ये बात है 2000 की, मैंने शुरू भी की और 3 साल के अंदर छोड़ भी दी और फिर मैं दूसरे काम में लगा क्योंकि बिजनेस करना था, माइंडसेट था मुझे बिजनेस करना है और मैं बिजनेस के लिए चले गया। और मैंने एक होटल शुरू किया छोटा सा, संकेत सर जैसा नहीं, इनका बहुत बड़ा होटल है, मेरा बहुत छोटा सा होटल था। और कुछ दिन मुश्किल से 1.5-2 साल भी नहीं चला होगा, मेरा होटल बंद हो गया और फिर मैं उससे भी बाहर मैं सोची हुआ था क्या करना। मेरा एक दोस्त था, उसकी एक दुकान थी और दुकान बंद थी, तो मैंने उसको तैयार किया एक काम कर तेरी दुकान है, क्योंकि मेरे पास पैसे लगाने के लिए थे नहीं, ऑलरेडी मैं बिजनेस में लॉस कर चुका था। तो उसकी दुकान और मैं एक आइडिया लेके आया, मैंने वहां पे गिफ्ट आर्टिकल के और एक कंपनी की मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली और घर के प्रोडक्ट थे थर्मोवेव वगैरह जैसे किचनवेव के प्रोडक्ट थे कुछ, तो मैं उसके साथ मिलकर उस बिजनेस हम लोग ने पार्टनरशिप में चालू किया। और वो भी बिजनेस अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं चल पाया, कुछ साल मैंने किया फिर वहाँ पे भी कुछ इशू हो गए, पार्टनरशिप इशू हो गए और पैसे का लेन देन, फिर मैंने वो भी बिजनेस बंद कर दिया। ऐसे छोटे छोटे मैंने बहुत सारे काम करने की कोशिश की लेकिन कोई भी मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने अपने लाइफ में 8 साल अलग अलग बिजनेस किए, कभी होटल खोला, कभी दुकान चलाया, कभी मैंने किसी की एजेंसी ली, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, ऐसे छोटे छोटे काम मैंने बहुत सारे किए लेकिन मैं कहीं से पैसे नहीं कमा पाया। 8 साल के बाद मैंने एक लाइफ का अलग रूप देखा और मुझे ये समझ में आया कि दुनिया होती क्या है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया वो नहीं है जब आप बहुत पैसा कमाते हो, असली दुनिया तब आपको समझ में आती है जब आपके जेब में पैसे नहीं होते हैं। और वो मेरे लाइफ का एक बैड पेच था क्योंकि 8 साल मैंने अलग अलग बिजनेस में दिए और 8 सालों के बाद मैं पूरी तरह से क्या बोलते हैं रोड पे आ चुका था बोल सकते हैं, यानी मैं लाइबिलिटी में था, बैंकों के लोन, पर्सनल लोन, उधार, यहाँ वहां से बहुत सारे पैसे मैंने उठा लिए थे और मैं किसी का दे नहीं पा रहा था, यानी कुछ काम धंधा ही नहीं था ना, सब में डूबा हुआ था तो पैसे दू कहाँ से। और मैं एक लाइबिलिटी में आ गया, कभी 25-26 लाख की लाइबिलिटी उस वक्त, और मैं मुझे ही नहीं समझा ये कैसे बढ़ गया, कैसे इतनी लाइबिलिटी हो गई। मेरा कोई ऐसी शौक नहीं थी जो बोलते गलत काम, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास, फिर भी मैं 25-26 लाख की लाइबिलिटी में, सब बिजनेस फेल। और तब मुझे पता चला लोग क्या होते हैं। और एक चीज मैंने समझा वो ये, आज की दुनिया ना केवल पैसों की दुनिया है। अगर आपके जेब में पैसा है दुनिया सलाम करेगी, नहीं है दुनिया छोड़ो, अपने घर में अपनी कोई वैल्यू नहीं है, आप किसी काम के नहीं हो, ये लिख लो। अब बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन में इस चीज को अच्छी तरह महसूस कर चुके होंगे, अगर आपका बैंक बैलेंस खाली हो गया होगा ना तो आपको समझ में आ गया होगा हमारी कीमत कितनी है, कोई वैल्यू, ये दुनिया पैसे की दुनिया है, ये तो समझ में आ गया मुझे। और फिर मुझे बताया जाने लगा तो किसी काम का नहीं है और तमाम तरह की बातें घर में बहुत सारी बातें। और मैं हमेशा बोलता हूँ जिस घर में पैसे नहीं होते हैं उस घर में ना झगड़े बहुत होते, बिना बोले झगड़े आएंगे, कब कैसे होंगे समझ, क्योंकि पैसा नहीं तो यही काम है झगड़े कब। और मेरे घर का भी माहौल बहुत दुखी भरा वाला, और मेरे घर के लोग मुझे समझाते थे ये तू क्या किया, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, तू ये समझता नहीं है क्या, तू पढ़ा लिखा है इस तरह के काम क्यों करता है, अब तू नालायक हो गया है। फिर दोस्त आते, रिश्तेदार आते, सब लोगों ने मुझे समझाया, फिर अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाने लगे ना, देखते वह दोस्त तेरे साथ पढ़ता था, पता है
तुझसे हमेशा कम मार्क्स लेके आता था, लेकिन आज वो बड़ी अच्छी कंपनी के जॉब पे है। और मेरे कई दोस्त उस समय गल्फ में चले गए, देखो गल्फ में सेटल हो गया, आज दुबई में सेट है, कितना अच्छा पैसा कमा रहा है। और तू पागल क्या किया, 8 साल तेरा कुछ अता पता नहीं है क्या कर रहा है। और मुझे ये चीज समझ में आई, यार 8 साल तो मैंने भी वेस्ट किए। और कहीं ना तो कहीं मुझे ये समझ में आ चुका था कि मैं फेल हूं, मैं बुरी तरह फेल हूं। और माइंड काम नहीं कर रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, घर का माहौल अलग, सब कुछ टेंशन का वातावरण। उस वक्त मुझे घर से एक वार्निंग मिली, अब तू ये सब बंद कर, तू वो करेगा जो हम बोलेंगे। अब मुझे बताया गया तू जॉब कर, क्योंकि आम आदमी जो है ना बिजनेस नहीं करता, हम जॉब करने के लिए है, बिजनेस जिनके पास पैसा वो करते हैं। और मुझे पता चला यार शायद बात सही है, और मैं भी जॉब करने लगा, क्योंकि मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था। मैं जॉब ढूंढा, मुझे जॉब मिली, और मैं न चाहते हुए जॉब करने लगा। और मेरी लाइफ चल रही थी, जॉब और मेरी लाइफ, और मुझे कुछ समझ में नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उस वक्त क्या करना है क्या नहीं करना। किसी तरह से मैं अपनी नौकरी मिली, और बड़ी मुश्किल से मेरा लाइफ चल रहा था। और क्योंकि जो भी पैसे आते थे लोगों को देने में ही जाते थे, मैं कभी घर पे 1 रुपया नहीं देता था, और मेरे घर से कोई मुझे मांगता भी नहीं था, पता ये देगा कि इसकी तो हालत वैसी खराब है। तो उनको मेरे घर से ये बोला गया था, तू एक ही काम कर भाई, ये जो तू लोगों का पैसा लिया है ना, वो तुझे 2-4 लोग ढूंढने आते हैं, ये नहीं आने चाहिए। क्योंकि हम लोग थोड़े से मिडिल क्लास ना, मिडिल क्लास के पास एक चीज बहुत है, याद रखो एक चीज, उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास इज्जत बहुत है। मेरे पास भी इज्जत बहुत थी, हमारी फैमिली में इज्जत को बहुत, यानी क्या बोलते हैं, टॉप लेवल पे रखा जाता है। 2 रोटी कम खाने का, लेकिन दरवाजे पे कोई मांगने वाले आने नहीं चाहिए। अब अपना उल्टा था, साले मांगने वाले ही ज्यादा आते थे, तो लाइफ बहुत मुश्किल थी। तो जो भी सैलरी आती थी लोगों के देने में जाते थे, बैंकों के इसके उसके जो लिए वैसी चल रहा था। और मेरी लाइफ ऐसी चल रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। और इसी वक्त एक व्यक्ति मेरे दोस्त के माध्यम से मुझे इस माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को देखने का मौका मिला। और उन्होंने मुझे बोला, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे आज भी हैं, और उन्होंने कहा राजेश चल एक व्यक्ति को मिलना है। इनफेक्ट तो उसको लेके मेरे घर पे आए थे, लेकिन मैं घर पे नहीं था, मैं जॉब पे था। तो फिर उन्होंने मैसेज छोड़ा था तुझे मिलना है, तो मैं गया दूसरे दिन मिलने के लिए। बोला चलो देखते क्या है। तो उन्होंने मुझे वापस से ये बताना चालू किया, ऐसा ऐसा बिजनेस है, ये आता है सब। मैंने सुना एक घंटा सुनने के बाद मेरा पहला स्टेटमेंट उस वक्त का मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये कहा था, सर ये मैंने बहुत पहले करके छोड़ दिया है, और मेरा सजेशन है आप भी मत करो। ये उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद को बिलीव नहीं था और ये होगा। मैंने सीधा उनको ना बोला, मैं बोला सर मैं बड़ी मुश्किल से सबसे बाहर अभी जॉब कर रहा हूँ, कब्जे में हूँ, लाइबिलिटी आपके पैसे वैसे ये सब मेरे बस का नहीं है, मैं ऑलरेडी फेल, ये धंधे नहीं कई धंधे में फेल हो चुका हूँ, तो मैं तो बिजनेस में फेल हूँ, मुझसे बिजनेस, मेरे घर पे तो और स्ट्रिक्ट वार्निंग है, तू बिजनेस नहीं करेगा, तू केवल जॉब करेगा। और मैं उनको ना बोल दिया, पहले मीटिंग में ही ना बोल दिया भाई मुझसे नहीं होगा, और मैं आ गया वापस। लेकिन उन्होंने मेरा नंबर लिया, मेरा कॉन्टेक्ट लिया था, वो मुझे बार बार फोन करते थे, एक बार वापस मिलते, जिसको हम बोलते हैं ना अपने बिजनेस में फॉलो अप करना चालू हुआ। मैं बोला सर जब बिजनेस करना ही नहीं तो क्या मिलना। लेकिन जब भी वो मुंबई में आते थे, यानी एक्चुअली वो रहते थे चेन्नई में, जब भी वो मुंबई में आते थे ना तो मुझे फोन करते थे, आज अपन मिलते बात करते। और धीरे धीरे मैं उनसे 2-4 बार मिला भी, बातें भी किया, लेकिन मैं बिजनेस के लिए तैयार नहीं था। मैं बोला सर ये मेरे बस का काम नहीं है, मुझसे नहीं होने वाला है। और ऐसे ऐसे देखते देखते 1-2 दिन नहीं सर काफी दिन चले गए, आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे ये बिजनेस करने के लिए 1-2 महीने नहीं, 1.5-2 साल समझाया। सोच के देखिए, आप लोग तो 1-2 महीना फॉलो अप करके थक जाते हो ना, 1-2 महीना आवे सर में गया तो उसके पास 3 बार गया, 4 बार गया, वो बिजनेस में नहीं आया, उस बिजनेस सुनना नहीं चाहता है। आप 1-2 महीने में थक जाते हो, और उन्होंने मुझे 1.5-2 साल समझाया। जब भी वो मुंबई आते थे 2 महीने 3 महीने या महीने में फोन करते थे, और मैं भी उनको मिलता था, धीरे धीरे मैं भी उनकी दोस्ती हो गई। मैंने बिजनेस नहीं किया लेकिन हम अच्छे दोस्त बन गए। और मैं उनको देख रहा था, मेहनत कर रहे हैं वो, बिजनेस यहाँ पे आते हैं, उनको भाषा नहीं आती है फिर भी वो काम करते हैं, और मेरे लिए बड़ी बात थी ये।
और ऐसे ऐसे डेढ़ दो साल में वे बीत गए, और एक दिन मुझे लगा यार ये आदमी इतना मुझे बता रहा है। और मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को पैसे कमाते हुए देखे भी हाँ, इस बीच में एक अच्छा हुआ क्योंकि मैं बिजनेस से अटैच था, भले महीने में एक बार मिलता था, लोगों को देखता था, मैं कई बार इनके मीटिंग ट्रेनिंग में भी गया हूँ लेकिन काम नहीं किया था उस वक्त। और मैं बोला यार लोग पैसे भी कमा रहे हैं, और उसमें से कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता भी था जो मेरे साथ इस बिजनेस को देखे और जुड़े और वो पैसे भी कमाने लगे, लेकिन मैंने नहीं किया। देन आफ्टर डेढ़ दो साल के बाद मैंने बोला यार पैसे की बहुत सख्त जरूरत है, कोई ऑप्शन नहीं था। और फिर मैंने सोचा चलो एक बार करके देख दो, आखिर लेना क्या, यहाँ पे पैसा देना क्या, जैसे आपने भी आप भी जानते हो हमारे बिजनेस में देना क्या होता है, लगाना कुछ नहीं होता, कुछ प्रोडक्ट खरीदने होते 10-20 हजार के, यही तो आपने भी किया होगा, मैंने भी वही किया। मुझे मैं बोला चलो यार कुछ प्रोडक्ट खरीद ही लेता हूँ, आखिर किसी और दुकान से लूंगा यहाँ से ले लेता हूँ, लेना तो है ही है इस दुकान से नहीं तो किसी और दुकान से, एक बार लेके देखता हूँ। मैंने प्रोडक्ट खरीदे, और मैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं आया था, फिर मैं बता मैं आया था बिजनेस के लिए क्योंकि मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। और मैंने कहा सर मुझे ये बिजनेस से ना अगर ये 25 लाख आ गए मैं लाइबिलिटी फ्री हो जाऊंगा, बस मेरा काम हो गया, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि घर के लोगों ने बोल दिया था भैया तू जब तक घर में हम लोग, मेरे माँ बाप ने बोला था जब तक हम लोग है ना हम लोग तुझे खिला सकते हैं, यानी खिलाने का टेंशन नहीं, खाना खाने का मुझे कोई टेंशन नहीं था क्योंकि माँ बाप ने जिम्मेदारी ली थी, मुझे टेंशन एक ही था कि लाइबिलिटी से बाहर आना है, कब्जे से बाहर आना है। और मेरा एक ही मेरा वाई एकदम क्लियर था, मैं बहुत देर से आया इस बिजनेस में, जब मैंने बिजनेस देखा और आने में 1.5-2 साल का समय लिया, लेकिन वाई बहुत क्लियर था, मुझे पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी और मैं वो पैसा कमाना चाहता था क्योंकि मुझे पता था जॉब से और मैं 20 साल काम करूंगा तो भी ये कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि 20-25 हजार के जॉब में मैं ज्यादा कितना कमा लूंगा, सोचिए कितना कर पाऊंगा, और 10-20 साल में यही करते रहूंगा तो मैं भी पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी, पैसा तो चाहिए मुझे, और यही एक माध्यम में देख रहा था जो शायद मुझे मिल जाएगा। और फिर मैं इस बिजनेस पे बिलीव किया, मेरा गोल जो था एकदम क्लियर गोल था, मुझे ये पैसा चाहिए, बस मेरा वाई एकदम क्लियर था मुझे ये चाहिए, मुझे कोई घर गाड़ी बंगला कुछ नहीं था मेरे लाइफ में, मैं कभी सोचा भी नहीं था, एक ही गोल एक ही मकसद, सर ये 25-26 लाख मिल गया ना, और मैं ये कंडीशन के साथ आया था ये भी बताता हूँ आपको, मेरा एक ही कंडीशन था मेरे लीडर को, मैंने कहा सर मुझे एक चीज की गारंटी चाहिए, मुझे इतना पैसा आएगा क्या, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैंने जितने काम किए हैं एक भी काम मेरा सक्सेस नहीं हुआ, 8 साल अलग अलग बिजनेस किया, अभी 1.5-2 साल से जॉब पे हूं, ये जॉब से जो कमाया वही कमाया, बिजनेस में तो कभी कमाया ही नहीं मैंने। उन्होंने कहा ये पैसा तुझे आएगा इसकी पूरी गारंटी है, लेकिन एक कंडीशन है, उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी, कंडीशन ये थी बिजनेस तू तेरे हिसाब से नहीं करेगा, यानी तू जैसा चाहता है वैसा बिजनेस नहीं होगा, बिजनेस करने के कुछ नियम है अगर तू उसे फॉलो करेगा तो पैसे आएंगे। बोला मैं तैयार हूं सर, आप सारे नियम बता दो, नियम फॉलो मैं कर लूंगा, उसकी चिंता मत करिए, लेकिन पैसा आना चाहिए बस, अगर नहीं आया ना तो मैं कंपनी वंपनी नहीं जानता, मैं आपको जानता हूं, मैं नियम वियम सब मानूंगा आपका, पैसा चाहिए। बोले पक्का गारंटी है। एक लीडर ने ना कॉन्फिडेंस देना भी बहुत जरूरी है, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया और 1.5-2 साल की मेहनत के बाद मैं इस बिजनेस में आया, एक ही गोल एक ही क्लियर, मुझे लाइबिलिटी फ्री होना है, बस यही मेरे लाइफ का गोल था, बाकी कोई गोल नहीं था मेरा। और दूसरा सर ये लाइबिलिटी फ्री हो गया महीने के ना ये 20-25 हजार आ गए जो मुझे अभी जॉब से मिले हुए, तो बस मैं धन्य हो गया, मेरी लाइफ का मैं सबसे बड़ा आदमी, यही गोल लाइबिलिटी फ्री लाइफ और एक रेगुलर इनकम, बस बाकी कोई सपना कोई ड्रीम नहीं। यार एक डूबा हुआ इंसान क्या सपने देखेगा यार, मुझे कोई मर्सिडीज BMW का शौक ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था मैं लूंगा, ये दो चीज मेरा था बस, मुझे एक 20-25 हजार की आमदनी मिल जाए जो मैं घर पे दे सकूं कि घर के लोग शांत रहे, भाई चल ये लड़का कुछ तो करता है लाके देता है, और मुझे मांगने वाले जो है ना मेरा जीना हराम किए थे,
ये वही समझ सकते हैं जो लिए होंगे, जो कभी ना कभी किसी लाइबिलिटी में आए होंगे या होंगे इस वक्त भी, वो समझ सकते हैं बहुत मुश्किल लाइफ है, बहुत मुश्किल। अगर आप नहीं जानते तो आपसे एक सलाह कहूंगा, आप किसी से ले लो 1-2 लाख, अब उसको दो मत, आप समझ जाओगे लाइफ क्या होती है। यानी आप देख लो, अगर देखना चाहते हो तो, मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है। और ये गोल लेके मैं आया था, मेरा सक्सेस होने का सबसे बड़ी वजह हेलो 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 सर, यहाँ आवाज आ रही? जी जी सबको आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मुंबई में तेज बारिश हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ है, आप लोग बने रहें। बहुत ही 2 मिनट में सर आ रहे हैं, उनका डिस्कनेक्ट हुआ है, वापस आ रहे, कनेक्ट हो रहे। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ ओके, ये डिसकनेक्ट हो गया, वापस कनेक्ट हो जाऊंगा, 2 मिनट लेके। ओके थैंक यू सर। यस सर, तो जो मैं आपको बता रहा था ये कि मेरी ये दो चीजें ना बहुत मेरे पास एकदम क्लियर थी, ये दो चीजें। और माय लाइफस्टाइल ने मुझे क्या दिया, माय लाइफस्टाइल ने मुझे जिंदगी जीने का एक नया पर्पस दिया। जिंदगी क्या होती, मकसद क्या होता, मैं भूल चुका था। मैं लाइफ में अपने आप को ये समझ लिया था मैं खत्म हूं, मैं फेल हूं, लेकिन माय लाइफस्टाइल ने मुझे एक नया पर्पस दिया, एक नया ड्रीम देखना सिखाया, सपने देखना सिखाया। सपने तो मेरे पास थे ही नहीं, मैंने यहाँ पे आके देखना सीखा, यहाँ की मीटिंग ट्रेनिंग में जा जाके मेरे सपने बड़े हो गए। मैं तो छोटी सी काम के लिए आया था कि मैं कब्जे से बाहर आ जाऊं, मेरी रेगुलर इनकम आ जाए, लेकिन इस बिजनेस में मुझे सपने देखना सीखा, लाइफ का एक पर्पज मिला, मकसद मिला मुझे यहाँ पर, कि लाइफ का मकसद क्या होता है। या एक नया जीवन ही मुझे दिया माई लाइफ स्टाइल ने, एक नई लाइफ मुझे मिली यहाँ पे आके। और ये नई लाइफ कैसे मिली ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये नई लाइफ पाने के लिए मैंने अपने रोल को समझा। देखो माय लाइफस्टाइल में मैंने कईयों को देखा है, आते हैं, उनके पास भी एक गोल होता है, एक मकसद होता है, ड्रीम होता है, सब कुछ होता है। और मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे बिजनेस में आते। जब मैं आया था मैं सोचता है मुझसे बड़ा पागल आदमी कोई नहीं दुनिया में, ना तो मेरे पास कोई गोल था, ना तो कोई ड्रीम था, ना पर्पस था, गोल एक ही चीज थी कि मुझे लाइबिलिटी से बाहर आना, ये 25-26 लाख में कैसे कमा लूं बस, और महीने का 20-25 हजार आने लगे, घर चलेगा, सब कुछ बेस्ट है। लेकिन कईयों के पास ना बड़े बड़े सपने डे वन से होते, मैंने देखे ऐसे लोगों को, लेकिन ये इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वजह क्या है पता है, ये अपना रोल नहीं समझ पाते हैं। मुझे काम, आप माय लाइफस्टाइल से सपने तो लेके आते हो, माय लाइफस्टाइल में ये तो चाहते हो कि ये मेरी जिंदगी को बदले, ये तो चाहते हो कि माय लाइफस्टाइल मुझे घर दे दे बड़ा, गाड़ी दे दे बड़ा, अच्छा बैंक बैलेंस दे दे, लाखों रुपए कमाने को आ जाए, ये सब चाहते हो आप, लेकिन आप अपना रोल प्ले नहीं करना चाहते। ये ऐसे ही नहीं मिलेगा भाई, उसके लिए आपको भी कुछ देना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं जितना बड़ा तेरा ड्रीम है, जितने बड़े तेरे गोल है, तू जितना ज्यादा चाहता है ना उतना ज्यादा तुझे देना भी पड़ेगा।
अगर तू लेना चाहता है माई लाइफस्टाइल से तो माई लाइफस्टाइल को देना भी पड़ेगा। और ये बात मुझे पहले दिन समझ में आई गई, भाई ये ऐसे ही नहीं आता है, तुझे अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। तो मैंने क्या रोल प्ले किया मेरी लाइफ में कि मैं माई लाइफस्टाइल में कामयाब हो गया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्या रोल था। सबसे पहला रोल जो मैंने सीखा ये कि मुझे यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र रूप से मुझे बिजनेस करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, जिसे हम इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलर कहते हैं या कुछ लोग इसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर यानी क्या, डायरेक्ट सेलर यानी क्या, जो दूसरों पे न डिपेंड होके खुद बिजनेस करे, इंडिपेंडेंट। आप बिजनेस के ओनर हो, आप बिजनेस के मालिक हो। इस बिजनेस का एक सिस्टम है जहां पे एक अपलाइन होता है, जिसे आप अपलाइन बोलते हैं, मैं उसे हेल्पलाइन या गाइडलाइन बोलता हूं। और जिनकी आप टीम बनाते हो उसे आप लाइफ, उसे हम लोग डाउनलाइन बोलते हैं, मैं उसे लाइफलाइन बोलता हूं। ये नाम के लिए है भाई, एक अपलाइन है डाउनलाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बिजनेस के मालिक हो, यू हैव द ओनर ऑफ योर बिजनेस। अगर मैं मालिक हूं तो मुझे खुद ही काम करना पड़ेगा। कई लोग इस चीज को आज तक नहीं समझ पाए। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, कई लोग तो अच्छे रैंक पे भी पहुंच गए, लेकिन ये चीज आज तक नहीं समझ पाते हैं कि मैं बिजनेस का मालिक हूं, कोई और नहीं। बिजनेस मेरा है भाई, मेरे अपलाइन का नहीं, डाउनलाइन का नहीं। तो मुझे इंडिपेंडेंट करना पड़े। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, उससे आप समझ सकते हो शायद। जब मैं इस बिजनेस में नया नया था और मैंने बहुत देर से स्टार्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे आप काम करते हो, अपने कुछ लोगों को लाते हो, अपने लीडर को मिलाते हो या मीटिंग में ले जाते हो, जीटीएस में। उस समय कोई जीटीएस वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग इसी लोगों को वन टू वन मिलके लोगों को बिजनेस समझाते थे। तो मैं क्या करता था, मैं भी अपने लोगों को लाता था और जब मेरे अपलाइन आते थे मैं उनके पास लेके जाता था। मेरे अपलाइन चेन्नई में और वो मुंबई में आते थे महीने में 2-4 दिन के लिए। और सबसे बड़ी बात, उनको इंग्लिश आती थी और वो तमिल बोलते थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, मराठी तो बहुत दूर की बात है। तो मैं अपने लोगों को लेके जाता था और ये भाई साहब उसको इंग्लिश में समझाते थे बहुत अच्छे से, 1-1.5 घंटे समझाते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था पता है, मैं जिनको ले जाता था उनको इंग्लिश नहीं आती थी या उतनी अच्छी नहीं आती थी। तो ये 1-1.5 घंटा बैठाना बड़ा मुश्किल होता था और सब सुनने के बाद भी वो यही बोलता था, काय सांगितला कळलं नाही, तू सांग ना जरा परत। बोला यार 2 घंटा सुनाना होता, अब मैं वापस क्या बताऊं वही। तो मैं सबको बोला, सर आप थोड़ा सा ना हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा होगा। बोले क्यों? सर मेरे लोगों को ना ये इंग्लिश नहीं समझता है। तो उन्होंने मुझे सलाह दी, तुझे हिंदी बोलने आता है? बोला बस क्या सर, बहुत अच्छे से बोलता हूँ। बोले तो तू खुद बोलना। फिर ये बात मुझे समझ में आई, यार मैं इनके भरोसे बैठूंगा ना तो ये तो हिंदी सीखेगा नहीं, मराठी तो बहुत दूर की बात है और इंग्लिश के अंदर भी गाना बजाएगा तो अपना तो काम होने वाला नहीं है, मुझे खुद बोलना पड़ेगा। और मैंने बोलना चालू किया, जैसे भी आया, सही बोला गलत बोला मुझे नहीं पता, जो आया मैंने समझाया, जो मुझे समझ में आया मैंने उसे समझाया। यानी मुझे ये चीज समझ में आई, बिजनेस में इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। आप दूसरे के सहारे अपने सपने कभी पूरे नहीं कर सकते, इसी बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी बिजनेस में। लेकिन थैंक्स किस बिजनेस में हमें गाइड करने के लिए लोग हैं, थैंक्स किस बिजनेस में हमें लोग सपोर्ट करने के लिए हैं, थैंक्स किस बिजनेस में हमें लोग मदद करने के लिए हैं। ये दूसरे बिजनेस में नहीं है। तो जो मदद मिलती है, जो सपोर्ट मिलता है ले लो, लेकिन बिजनेस हमेशा अपने दम पे करो। मैंने पहला काम ये सीखा, बिजनेस मुझे करना है, कोई और मेरे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि पैसे मुझे कमाने हैं, क्योंकि लाइबिलिटी मेरी है, कर्ज मेरा है तो उसे चुकाना भी मुझे ही है, तो पैसे तो मुझे ही कमाने पड़ेंगे। और मैंने बहुत जल्दी इस बिजनेस में मैं इंडिपेंडेंट बना, यानी इंडिपेंडेंट यानी सब काम आप करो, किसी अपलाइन के भरोसे, कंपनी के भरोसे, किसी सिस्टम के भरोसे मत रहो। जो मिलता है मदद लो, लेकिन डिपेंड मत रहो,
बिकम इंडिपेंडेंट, आपको हर काम आना चाहिए, लॉग इन करने से लेके प्रोडक्ट लेने से, प्रोडक्ट देने से लेके प्रोडक्ट का नॉलेज देने, ए टू जेड का आपकी मास्टरी हो जानी चाहिए। मैं नहीं बोलता एक दिन में हो जाएगा, इट टेक सम टाइम, टाइम लीजिए, लेकिन इस मीटिंग में, इस बिजनेस में आने के बाद, चार छह मीटिंग सुनने के बाद, चार छह ट्रेनिंग सुनने के बाद, यानी चार से छह महीने के अंदर, विद इन सिक्स मंथ आप इंडिपेंडेंट काम करने ही चाहिए। मैंने बोला पहले दिन करिए, पहले दिन आप अपने अपलाइन के, अपने स्पॉन्सर की मदद लीजिए, पहले छह महीने आप उन्हें बहुत तंग करिए, जितनी मदद लेना है लोग, लेकिन छह महीने के बाद आप अपने बिजनेस के मालिक, मास्टर, सर आप बैठिए मैं करता हूं, जब मैं कहीं फंसूंगा, जब मुझसे नहीं होगा तब मैं आपकी मदद लूंगा, अभी नहीं, अभी मैं अकेले करता हूं। ये आदत डालिए, ये मैंने सीखा यहाँ पे, इंडिपेंडेंट करना। और दूसरी चीज, इस बिजनेस के एक सिस्टम होता है, आप उस सिस्टम के फॉलोअर बन जाइए, फिर देखिए कैसे काम बनता है। मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, मेरे पास ना तो मेरी कोई पर्सनालिटी थी अच्छी, ना मेरे पास कॉन्टेक्ट बहुत अच्छे थे, मेरे तो ऐसे लोग थे मैं जिनके पास जाता था ना, एक वक्त ऐसा था कि मुझे पता था ये ना ही बोलने वाला है, क्योंकि दोस्तों के पास गया तो दोस्तों ने कहा यार ये सब तू नया छोड़ दे, कब तक ऐसे ही नया 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 लेके घूमते रहेगा, जब देख तब कुछ नया, कभी होटल खोलता है, कभी दुकान खोलता है, कभी क्या क्या किया तू ही जानता है, अभी नौकरी कर रहा था, अभी जॉब छोड़ के वापस ये क्या नया लेके आया तू, दोस्तों आए नहीं, और कईयों को फोर्स किया तो बोले काम कर, जो मैं पहले का पैसा पड़ा वो कब देगा वो बता दे, नया बाद में बता, तो साला उनका तो पहले का ही पैसा तो आएंगे कहां से। रिश्तेदारों के पास गया, मैं गया सबके पास, रिलेटिव्स के पास गया, क्योंकि मुझे सिखाया गया था लिस्ट में पहले उनकी नाम लो, अभी आपको सनी सर भी बता रहे थे पहले अपने लोगों के पास जाओ, अपने भाई के पास, बहन के पास, चाचा मामा मामी काका काकी के पास जाओ, मैं भी गया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य को मेरे साथ आए नहीं, बहुत बाद में आए, शुरू में नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि उनके नजर में मैं फेल था, और बोले तू हमको मत सिखा, तू तेरा देख खुद ही तेरा हालत बेकार है, हमको आगे बताता है, अब मैं किसको बताऊं तू करोड़पति बनेगा लाखों कमाएगा, लोग मुझे देख के बोलते तू खुद कमा ना, हमको क्या सिखा रहा है वे? क्या बताऊं मैं उनको, मुझे खुद ही नहीं है, मैं खुद ही पैसे में डूबा हूं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था लोगों के पास जाना, तो मेरे पास कॉन्टेक्ट नहीं थे और फेस वैल्यू खत्म थी मेरी, क्रेडिट वैल्यू तो थी ही नहीं, तो मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुझे एक पता था इस बिजनेस के एक सिस्टम है, अगर मैं उसको साथ चलाना तो कामयाबी मिल जाएगी, और मैं इस बिजनेस के सिस्टम का फॉलोअर बना। और मैं हमेशा बोलता हूं आप किसी भी बैंक पे चले जाओ, आप आज नए नए आए हो, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर हो अभी, या टीम कोऑर्डिनेटर बन गए हो, डीटीसी एटीसी जो भी बन गए हो, या एसटीसी बन, या आप बड़े लेवल पे आ गए हो, आप अभी एनटीसी बन गए, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर हो गए हो, या सीटीसी हो, आईटीसी बन गए हो, या डायमंड बन गए हो, या रॉयल डायमंड बन गए हो, जिस पोजीशन पे भी जाओ, हर पोजीशन पे एक चीज याद रखना, जिस दिन आप सिस्टम को छोड़े आपका करियर खत्म। इस इंडस्ट्री में सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं ना, मैं उनको भी हमेशा ये, मेरे टीम के लीडर में आपने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखो इस पैसे कमाने के दरमियान में आप उस सिस्टम का हिस्सा बने थे, जहां पे कंपनी, कंपनी की मैनेजमेंट, उनके साइंटिस्ट, उनका पूरा जो कंसल्टेंट है, इन सबका एक बड़ा सपोर्ट रहा, उसके साथ आपकी टीम लीडर्स, उनका बड़ा सपोर्ट रहा, उसके बाद हमारी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी है जो हमको सिखाती है, उस एकेडमी का बहुत बड़ा सपोर्ट है, आपके लीडर्स आपको सिखाते हैं, उस लीडर्स का बड़ा सपोर्ट है, आपकी डाउनलाइन जो है, जो आपको फॉलो करती है, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट, इन सब के वजह से आप सक्सेस हो। कभी भी ये मत सोचो आप अकेले सक्सेस हो, जिस दिन ये माइंड में आ गया उस दिन करियर खत्म। ये चीज मुझे समझा कि सिस्टम को पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, और मैं आज भी बोलता हूं, शायद आज भी मेरा पहला काम होता है सिस्टम से बाहर कोई भी लीडर ना जाए, जिस दिन गए उस दिन वो आउट। ये बिजनेस ही कुछ ऐसा है,
बड़ा आसान है सच बताता हूं, लेकिन उसके लिए जो सिस्टम पकड़ के रखा है, तो मैं हमेशा इस सिस्टम को फॉलो अप किया, आज भी कहता हूं दिलो जान से क्या है यह सिस्टम, मैं आपको बताना चाहूंगा एक बेसिक सिस्टम, एक नए आदमी के लिए सिस्टम क्या होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटर डेविक सिलेव है, जो अभी लीडर बना है, ये हर किसी के लिए लागू है। मैं फिर बोलता हूं ये सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर डायमंड रॉयल डायमंड क्राउन एम्बेसडर सबके लिए लागू है। इसमें 7 नियम है, 4+3, वो हमें हर दिन प्ले करने हैं। पहले नियम जो हमेशा बताता हूं मैं, आपको हर दिन 2 से 3 लोगों से मिलना है। STP, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट, शो द प्लान एंड प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट दिखाओ, बिजनेस दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, बिजनेस दिखाओ, डेली। आज के समय में आप बोलेंगे सब लॉकडाउन है कैसे दिखाओ, मैंने कहा था लॉकडाउन में क्या मैं पैसे कमा सकता हूं, यस, कैसे? आज आप टेक्नोलॉजी का सहारा लो, जैसे आज हम जूम एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे आप देख रहे, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज कर सकते हो। आपके पास फोन है, फोन के थ्रू बात कर सकते हो, आप व्हाट्सएप पे लोगों से अटैच हो उसके थ्रू बात कर सकते हो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, लेकिन लोगों से बात करिए। ये पहला नियम। दूसरा नियम, 2 से 3 GTS या होम मीटिंग में आपको हर हफ्ते जाना है, और नए गेस्ट यानी नए व्यक्ति के साथ। अब आप बोलेंगे लॉकडाउन में कैसे करूं, फिर मैं यही बताऊंगा, लॉकडाउन में भी अब तो अनलॉक आ चुका है, आप जहां पे जा सकते हो वहां पे आप 1-to-1 होम मीटिंग कर सकते हो, लेकिन हाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए और वो सारे नियम, हैंड सैनिटाइजर, मास्क वगैरह पहन के उसको फॉलो करते हुए करिए। जहां पे आज GTS नहीं हो रहे, आज हमारा इस तरह से ऑनलाइन GTS होते हैं, आप उसको अटेंड कराइए लोगों को, लेकिन ये होने चाहिए। तीसरा नियम, एक ट्रेनिंग मीटिंग हर 15 दिन में आप अटेंड करिए, बेसिक ट्रेनिंग 1-3-4 घंटे का होता है, ये बहुत जरूरी है, आप और आपकी टीम। आज के समय में कैसा करें, आज के समय में ट्रेनिंग नहीं हो रही है, ये सब काम आज के समय में ना ये ऑनलाइन हो रहा है, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं ये हम जूम एप्लीकेशन या हमारे लीडर्स के माध्यम से ऑनलाइन आपको दे रहे हैं, तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से आज लीजिए। जैसे ये लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म होगा, जब हमारी ट्रेनिंग मीटिंग वापस से उस पहले जैसे शुरू हो जाए, तो आप उसे अटेंड करिए, आइए वहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा नियम, ये 4 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा ये, महीने में एक बार अपने सक्सेसफुल लीडर के साथ, जो आपका सक्सेसफुल अपलाइन है, मैं याद रखिए स्पॉन्सर की बात नहीं, कई बार वो तो स्पॉन्सर ही गायब हो जाता है, लेकिन आपको काम करना है। जैसे मेरे केस में बताऊं, जिस व्यक्ति ने मुझे इस मैनेजमेंट से मिलाया, आज वो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, सोचिए, आज भी मेरे टच में मेरे अच्छे दोस्त है, उन्होंने काम नहीं किया, अब मैं उनके इंतजार में होता तो शायद आज मैं यहां तक नहीं होता था, लेकिन मुझे पता था ये मैनेजमेंट क्या है, मुझे पता था ये कंपनी क्या है, क्योंकि 1.5-2 सालों से मैं इनको देखा, तब जाके मैं स्टार्ट किया। तो जरूरी नहीं, जो भी आपके सक्सेसफुल लीडर हैं, आप उनके साथ महीने में एक बार बैठिए, डिस्कस करिए, आपकी प्लानिंग बोलिए, आपकी वीवी मीटिंग बोलिए, उसे काउंसलिंग मीटिंग बोलिए, ये होना चाहिए। सर मेरा महीने का ये टारगेट था, मुझे हर महीने 20,000 चाहिए, मुझे 20,000 नहीं आया, मुझे 10,000 आ गया, बताओ 10,000 और चाहिए कैसे आएगा, पूछिए आप उनसे, पूछिए ये महीने का मेरा गोल ये है, एक साल का गोल पूछे, सब इस साल में मैंने सोचा था मैं 1-10 लाख की आमदनी करूंगा, लेकिन अभी जिस हिसाब से स्पीड चल रही है मुझे लगता है मैं 4 लाख भी नहीं करूंगा, सब कैसे होगा, वो आपको आइडिया देंगे, वो उनकी गाइडलाइन को फॉलो करिए। ये 4 नियम अगर आप फॉलो कर लिए, तो मैं लिख के देता हूं, आप इस बिजनेस में हमेशा सिस्टम में रहेंगे और बहुत बड़ी इनकम लेंगे आप। ये सबके लिए लागू है, हर किसी के लिए, हर रैंक के लीडर के लिए 4 नियम होने ही चाहिए, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 3 टेक्निकल नियम है, जैसे कि 4-hour formula, रिक्रूटमेंट, रिटेल, रिपर्चेस, रिटेंशन। पहले लोगों को जोड़िए, नहीं जुड़वाए तो माल बेचिए और आप रिपर्चेस करवाइए और उसको अपने साथ रिटेंशन यानी जोड़ के रखिए। आज के समय में ये फॉर्मूला थोड़ा उल्टा काम कर रहा है, आज के समय में लोग पहले माल देवे, प्रोडक्ट बेचवे, फिर उसे जोड़वे, याद रखो जोड़ना बेचना दोनों आना चाहिए, तो आप कामयाब बनेंगे। और फिर
हर महीने का आपका टारगेट जो है, जैसे आज कंपनी ने हमें दिया हुआ है बहुत अच्छा ऑफर दिया हुआ है, आप अपने टारगेट से यानी आपको महीने का 1000 रुपए का रिपर्चेस करना है, अगर आपने 4000 किया 4 गुना ज्यादा 4 times, अगर ये 6 महीना कंटिन्यू 4 time रिपर्चेस किए तो कंपनी आपको 15% एक्स्ट्रा देगी, 15% एडिशनल, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा इस महीने के लिए स्पेशल ऑफर भी है, हर 10,000 के परचेस पे कंपनी 7,500 का फ्री प्रोडक्ट दे रही है, 7,500 पे 500 का फ्री दे रही है, ये एक इस महीने का स्पेशल ऑफर है, और 6 महीने लगातार भी परचेस करोगे तो 15%। तो इसकी आदत डालिए अपनी टीम में, आज ये सबसे ज्यादा हाईलाइट हो गए, याद रखिए। और सातवां नियम, आपको सारे इनकम लेने की आदत डालनी है, चाहे मंथली हो चाहे वीकली हो, ये सब इनकम आपको लेने ही लेने हैं। केवल एक इनकम, कई लोग केवल हफ्ते की इनकम के लिए काम करते हैं, मतलब भैया तुम महीने का इनकम ले, तो स्टार सिल्वर बन, स्टार पल बन। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने लीडर को पूछिए, सर कैसे स्टार सिल्वर स्टार पल बना जाता है बताइए, अगर स्टार सिल्वर बन गए तो मुझे एक्स्ट्रा क्या मिलेगा ये पूछिए। आपको बहुत सारी इनकम है, मैं आपको सिंपल बताता हूं, अगर एक व्यक्ति यहाँ पे स्टार सिल्वर बनता है और अपने टारगेट को पूरा करता है, जो मिनिमम टारगेट उसको दिया गया है, तो महीने का कम से कम 30 से 40,000 रुपए कमाता है। सोच के देखिए, छोटा सा टारगेट हर महीने पूरा कर, तो स्टार सिल्वर बनने के बाद तो 30 से 40,000 रुपए आप महीने का कमा सकते हो। कौन सा बिजनेस आपको ये गारंटेड इनकम देता है? छोटे से टारगेट, बहुत छोटा सा टारगेट है, महीने का 30-40,000 फिक्स इनकम, तो आप उनसे पूछिए ये कैसे आएगा आपको। ये 7 नियम आपको हमेशा सिस्टम से जोड़ के रखेगा, आप हमेशा सिस्टम में रहोगे, उससे बाहर नहीं जाओगे। और मैंने यही काम किया, मैं आज भी यही काम करता हूं आज भी, और उसी का नतीजा है कि मुझे इतनी बड़ी मैंने सारे लीडर्स, हमारे जितने सक्सेसफुल लीडर्स हैं इस वजह से आज जो यहाँ पे हैं। और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो ये, इस 7 नियम का उपयोग करके इस लॉकडाउन में मैं कैसे अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा लूं कि जिससे मेरा इनकम बढ़ जाए। हाउ टू जनरेट बिजनेस वॉल्यूम बीवी इन दिस लॉकडाउन, कैसे होगा, क्या करना होगा? पहला काम, आप ज्यादा से ज्यादा रिपर्चेस करिए अपने आईडी पे, और अपने टीम को बताइए वो भी अपने आईडी पे करे। जैसे मैंने बताया 4 times किए तो 15% मिलेगा, और फर्स्ट परचेज ये महीने में जो करते हो उसके ऊपर भी आपको आता है, जो आपको 10,000 का किए तो 750, 7,500 का किए तो 500 के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, यानी कभी कभी 20 से 25% आपको ऐसे ही रिटर्न आ जाते हैं। रिपर्चेस की आदत आप डालिए, और ये जब आप खरीद, तो मान लो मैंने 10,000 का खरीदा, 10,000 का मैंने परचेस किया, अब आप बोलेंगे 10,000 का मैं क्या करूं, जो मैंने पहला अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ, अगले 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे हमारे सप्लीमेंट प्रोडक्ट, हेल्थ सप्लीमेंट आप अपने घर में इस्तेमाल करिए, अपनी फैमिली मेंबर्स को दीजिए, कवच पास दीजिए, 9E5 दीजिए, इम्यूनो 3 दीजिए, स्पिरुलिना गोल्ड दीजिए, डेली डिटॉक्स दीजिए, ये सारे प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करिए, और कोई हेल्थ इश्यू है तो हमारे जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है उसका भी इस्तेमाल करिए। दूसरी, घर में लगने वाली वो सब चीजें जो आप किसी ना किसी दुकान से लेते हो, जो माई लाइफस्टाइल दे रही है, तो आपको माई लाइफस्टाइल से ही लेना है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गए, साबुन हो गए हैं, फ्लोर क्लीनर, डिश वॉशर, चाय, मसाले, सब आपको यहाँ से लेने हैं। यानी घर में आप 4-6,000 का प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। अब आप समझिए 10,000 का लिए, 4,000 का अपने घर में यूज कर लिए, बचा कितने का? 6,000 का। उस 6,000 को आप रिटेल करिए, याद करिए, जब तक आप खुद अपना प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, आप उसका रिजल्ट नहीं देखोगे, तब तक आप किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि आपके बातों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लोग खरीदते हैं, खुद नहीं यूज करते, दूसरे को देने चले जाते हैं। मेरा आपको हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया पहले खुद की फैमिली का हेल्थ अच्छा रख,
और आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिपर्चेस कर, जो घर में इस्तेमाल होता है इस्तेमाल कर, बचा हुआ माल याद रखो, बचा हुआ माल उसको तू बेचने जा, समझा। मान लो मेरे घर पे 5,000 का प्रोडक्ट लगते, तो मैं 5,000 का यूज करूंगा और इससे ज्यादा जितना होगा मैं उसे रिटेल यानी बेचूंगा। आप सेल करिए प्रोडक्ट, सेल कैसे करना है क्या बताना है, आपके लीडर्स आपको समझाएंगे और इसके ऊपर काफी ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुकी है। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है कैसे सेल्स ओपनिंग करना, कैसे प्रोडक्ट नॉलेज देना। जब आप रिटेल करने जाएंगे ना तो प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आज हमारी कंपनी हर दिन एक प्रोडक्ट नॉलेज देती है आपको, हर दिन रात को 9 बजे आपको ये प्रोडक्ट नॉलेज मिलता है। अब तो हमने रीजनल लैंग्वेज में देना चालू कर दिया है, बंगाली में, आसामीस में भी ये, और मलयालम में, तमिल में ये ट्रेनिंग चालू हो चुकी है। तो प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए आपका रिटेल, मैं लिख के देता हूँ, अगर सही प्रोडक्ट नॉलेज लिए ना आप ये 4-6 हजार छोड़ दो, महीने का 20-25 हजार का माल बेच सकते हो। मैं से कई लोगों को जानता हूं, कई महिलाएं हैं हमारे टीम में, महिलाएं इतना बढ़िया रिटेल करती है ना, मैं तो बोलता महिलाओं से अच्छा कोई रिटेल नहीं कर सकता, उनको गॉड गिफ्टेड है रिटेल करने के लिए, मास्टर है, प्रोडक्ट बताने के मास्टर है ये। तो आपके टीम में जितनी महिलाएं, जितनी यहाँ पे माता बहने सुन रही है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैडम आप लोग रिटेल रिपर्चेस पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। मैं लिख के देता हूं, ये दो काम अगर आप करने लगे ना, तीसरा काम में आप फिर धीरे धीरे मास्टर हासिल हो जाओगे। पहले क्या होता था, हम लोग सीधे लोगों को जोड़ने जाते थे, बिजनेस बताते थे, तो लोग थोड़ा पीछे आते, नहीं नहीं अभी नहीं करना है, देखूंगा बताऊंगा, दुनिया भर के सवाल। अब हम क्या करते, पहले प्रोडक्ट हाईलाइट करते हो, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। आज सोचिए ना, आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड, जो गवर्नमेंट बोल रहे आयुष के नियम फॉलो करो, आयुष के प्रोडक्ट यूज करो, भैया वही तो हम देवे, और हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट है, उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट है भाई, वो बताइए। जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने, इकोनॉमिक टाइम्स ने बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड दिया, वो प्रोडक्ट में दे रहा हूं। तो रिटेल करना, मैं इस पे ज्यादा इसलिए बात करूं, ये समझना बहुत जरूरी है, मैं क्यों रिटेल कर पाऊंगा। आज के समय में हेल्थ लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर मैं जाके किसको बोलू ना, तू मर्सिडीज लेगा, बीएमडब्ल्यू लेगा, वो हंसेगा, क्या बोलेगा, चलो मैं इधर जिंदा रहूंगा कि नहीं, इसका ही डर है, कहां मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का बात कर रहा है। अगर मैं आज उसको जाके ये बोलता हूं, देख इस प्रोडक्ट खाने से ना तू हमेशा हेल्दी रहेगा, इस बीमारी से तू लड़ लेगा, तेरी फैमिली सेफ रहेगी, तुरंत बोलेगा बता कैसे, क्या है, क्या खाना पड़ेगा। आज का सिचुएशन हेल्थ ओरिएंटेड है, तो आपका बिजनेस जो है ना हेल्थ ओरिएंटेड से स्टार्ट करिए, फिर उसे लेके आइए पैसे के ऊपर, फिर उसे बताइए इनकम कैसा आएगा। इनकम चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, लेकिन वो इनकम आज सेकेंडरी हो गई उसके लिए। कुछ लोगों के लिए इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, जिनका जॉब चले गया है, जिनका बिजनेस में लॉस हो गया है, उनको आप बताइए, हेल्थ भी रहेगा, इनकम भी आएगी। फिर आप उसे तीसरा काम करवाइए, रिक्रूटमेंट, समझे आप। पहले खुद के लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, फिर लोगों को प्रोडक्ट दीजिए, रिटेल करिए, फिर आप उसको जोड़िए, देखिए आपका बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। आज मैं बता रहा हूं 70-80% हमारा बिजनेस केवल इन दो चीजों से आ रहा है, रिटेल एंड रिपर्चेस, 70-80%। जबकि लॉकडाउन से पहले उल्टी सिचुएशन थी, लॉकडाउन से पहले केवल रिक्रूटमेंट से 70-80% बिजनेस आता था और 20-30% हमारा रिपर्चेस रिटेल था। लेकिन आज टोटल माहौल बदल गया, क्योंकि लोगों की सोच बदल गई ना, अब लोग गाड़ी घर बाद में, पहले मेरा हेल्थ, मैं ठीक हूं, मेरी फैमिली ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट, दुनिया का नंबर वन प्रोडक्ट, गारंटेड रिजल्ट प्रोडक्ट, केवल माई लाइफस्टाइल देवे, याद रखो। आप सरप्राइज होंगे, बड़े से बड़े आयुर्वेदिक कंपनियां जो अपने आप को लीडर बोलते हैं आयुर्वेदा का, 60-70 सालों से हैं, उनके पास भी अभी तक आयुष प्रीमियम के प्रोडक्ट नहीं आए हैं। सोच के देखिए, इवन द लीडर ऑफ दिस आयुर्वेदा इन अवर कंट्री, द रोल मॉडल पतंजलि, बाबा रामदेव के प्रोडक्ट, उनके भी कई सारे प्रोडक्ट अब आयुष प्रीमियम आने शुरू हुए, आयुष के मार्क सर्टिफाइड उनके पास भी नहीं है।
केवल माई लाइफस्टाइल एकमात्र हिंदुस्तान की कंपनी है जिसके सारे हेल्थ सप्लीमेंट प्रोडक्ट आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और यही आपको ये दो काम करवाने में मदद करेगा, ये आप ध्यान रखिए। ये दो काम पे ज्यादा हाईलाइट करिए, आपका बिजनेस वॉल्यूम देखो कैसे बढ़ेगा। मेरे यहाँ जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई सुन रहे उनसे मेरा निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा रिपर्चेस करिए। आप क्या करते हैं, हम उल्टा सोचते हैं। हम क्या सोचते पता है, अबे साहब दुनिया की हालत खराब है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों का दो महीने से काम धंधा बंद है, लोग कहां से खरीदेंगे, आप ये सोचते हो। भाई ऐसा नहीं है, आपकी बात सही है, दो महीने से सब कुछ बंद है, इसका मतलब लोगों के पैसे खत्म हो गए ये नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे 10-20% लोग होंगे जिनका सच में फाइनेंशियली इशू ज्यादा होगा, वो हमारे कस्टमर है ही नहीं। उनको तीसरा आर दिखाई, रिक्रूटमेंट इनकम, उनको बिजनेस ओरिएंटेड बताइए। लेकिन बाकी के जो लोग, आज बहुत लोग हैं जो हेल्थ के लिए लाखों खर्च कर रहे, आप सोचिए ना, आज एक पेशेंट COVID-19 का शिकार हो गया, अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो कितने पैसे ले हुए पता है आपको, आप जानते होंगे, मिनिमम 5-6 लाख रुपए जा रहे उसके मिनिमम, तो कहां से लाएगा 5-6 लाख रुपए बताओ। लेकिन लोग दे रहे ना, क्योंकि जब जान पे आ जाती ना तो सब करता है, याद रखो। तो उसकी जान बचाने के लिए आप ये चीजें दे रहे हो, अगर उसको ये बताए तो 6-7 लाख खर्च करने से अच्छा तो 2-4 हजार के प्रोडक्ट खा, ऑलवेज फिट रहेगा और इस बीमारी से फाइट कर लेगा, वो करेगा 100%। आपको बताने आना चाहिए, आप खुद ही डबे हुए, नहीं सर पैसा नहीं है, लोग की हालत खराब है, लोग मर रहे हैं, अगर लोग बाद में मरेंगे पहले तू मरेगा, तो इतना नेगेटिव सोचेगा। तो आज बिजनेस है, उल्टा हमारा बिजनेस का मार्केट बढ़ गया है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, हमारा बिजनेस का मार्केट बढ़ गया है हिंदुस्तान में, आयुर्वेदा पूरे वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो आप सब, मैं आपको आगे स्लाइड दिखाऊंगा उसका टर्नओवर क्या है, पूरी दुनिया में 8 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री है भाई, आयुर्वेदा की 8 लाख करोड़, सोच के देखिए, हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो आज बहुत बड़ा बिजनेस है, तो आप ये करिए, आपका बिजनेस वॉल्यूम देखो कैसे बढ़ेगा, फिर आप रिक्रूटमेंट करिए, फिर चौथा रिटेंशन ये करवाइए। और अभी हमारे मिस्टर के राजेश सर, हमारे सीईओ कैलाश सर ने और दो आप हमें बताया उस दिन, रीएक्टिवेशन ऑन रिलेशन बिल्डिंग करिए, जिससे आपका बिजनेस ऑलवेज आगे जाएगा। अब इसमें एक चीज और है जो अभी मैं बात कर रही थी, क्लोजिंग टेक्निक आप सीखिए, ये बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्लोजिंग टेक्निक सीखिए। हेल्थ के ऊपर बात करके कैसे मैं बिजनेस ला सकता हूँ, इनकम के ऊपर बात करके मैं कैसे बिजनेस ला सकता हूँ, ये क्लोजिंग सीखना पड़ेगा आपको। ये चीज मुझे पता चल, क्योंकि जब मैं नया नया था ना, मेरी भी क्लोजिंग नहीं आ रही थी, मैं सोचा यार मैं सब कुछ बताता हूँ, लोग जुड़ते क्यों नहीं है, उसी को कोई दूसरा बताता तो उसके साथ जुड़ जाता है, मेरे साथ नहीं आता है। तो एक चीज समझ में आई, मेरी क्लोजिंग टेक्निक बहुत वीक थी, मैं लोगों की क्लोजिंग नहीं कर पाता था, बिजनेस तो बता देता था। तो मैंने इसके ऊपर काम करना चालू किया, और तब ये समझ में, आप जिस किसी को बताओ, बताने से पहले आपके माइंड में एंड पॉइंट ये होना चाहिए, इसके पीछे मकसद क्या है, क्लोजिंग करना, या तो ये मेरा प्रोडक्ट खरीदेगा और मेरा कस्टमर बनेगा, या तो ये प्रोडक्ट खरीद के मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, डायरेक्ट सेलर बनेगा, दो ही ऑप्शन है, लेकिन प्रोडक्ट तो खरीदेगा ही, क्लोजिंग करना आना चाहिए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, एक दिन में आप जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना, लोग ही आपको सिखाते हैं। मैं हमेशा, जो आप ट्रेनिंग में मीटिंग में हॉल में नहीं सीखते हो ना, उससे ज्यादा फील्ड में सीखते हो, इसलिए मतलब फील्ड वर्क ज्यादा से ज्यादा करिए, सब सीख जाओगे अपने आप। और एक पॉइंट में ये कहूंगा उनके लिए जो हमारे बिजनेस में फुल टाइमर है, जो फुल टाइम काम करते हैं, या जो सोचते हैं मुझे आगे चल के माई लाइफ स्टाइल फुल टाइम करना है, उनको मैं ये कहूंगा भैया आप इस बिजनेस में ना अपना ब्रेक इवन पॉइंट बनाओ। क्योंकि जब मैं आया था इस बिजनेस में,
तो मुझे ये पता था अगर मुझे यहाँ से प्रॉफिट कमाना है तो मुझे मेरा ब्रेक इवन मेंटेन करना होगा। और मैंने कभी कभी इस अपॉर्चुनिटी में आने के बाद 2-3 महीने के अंदर मैं अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। 2-3 महीने लगे मुझे, इतना कॉन्फिडेंस इस 2-3 मैंने शुरू में पार्ट टाइम किया, 2-3 महीने मैंने अपने जॉब के साथ किया। और जैसे ही मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला मैं अपना जॉब छोड़ा, मैं फुल टाइम करने लगा। और फुल टाइम जब मैंने स्टार्ट किया ये बिजनेस तो मुझे पता मेरा ब्रेक इवन पॉइंट मुझे मेंटेन करना है। ये खास मैं लीडर्स लोगों के लिए बतावाऊ जो हमारे ये बिजनेस फुल टाइम करते हैं, शायद बहुत सारे नए लोग इस चीज को ना समझ पाए। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट यानी क्या, आपको उतना पैसा कमाना ही है जिससे कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट मेंटेन हो। ब्रेक इवन यानी आपके घर के खर्चे, आपके फील्ड का खर्चा, आपका कोई बैंक की ईएमआई वगैरह है या कोई देनदारी आपका लोन वगैरह है, उन सबको जोड़ करके कितना अमाउंट आता है। मान लीजिए मेरे घर में मुझे महीने का 20,000 रुपए चाहिए, डॉक्टर के खर्च, घर का, स्कूल का, ये सब मिला के 20,000 चाहिए। तो मुझे बिजनेस करना है तो डेली लोगों से बात करना, मिलना जुलना, उसके लिए दिन के समझो मुझे 200-300 रुपए लगते हैं। यानी एक मैं ये पकड़ लेता हूँ महीने का 10,000 मुझे फील्ड एक्सपेंसेस चाहिए तो मेरा 30,000 हो गया। और मान लो मैं भी कोई गाड़ी की ईएमआई वगैरह है, बाइक की ईएमआई चल रही है, 10,000 वो लगती है, यानी ये सब मिला के 40,000 हो गए। तो मेरा ब्रेक इवन 40,000 मुझे आना ही चाहिए। और मैं ये डे वन से ये काम करता हूं, आपको ये भी बता दूं, डे वन से जब मैं इस बिजनेस में फुल टाइम आया, अपनी नौकरी छोड़ के आया, तो मेरा पहला टारगेट था कुछ भी हो जाए मुझे उतना पैसे कमाने हैं जितने की मुझे जरूरत है। मेरा टारगेट था 25 लाख कमाना, लेकिन मुझे पता था 25 लाख पहले दिन नहीं आएंगे मुझे, तो उतना तो कमा लूं जिससे मेरा ब्रेक इवन चले, यानी मेरे खर्चे चल जाए, किसी दूसरे से उधार ना मांगना पड़े। जैसे मैंने बताया आपका ब्रेक इवन 40,000 निकला, घर का खर्च, फील्ड का खर्च और बैंक की ईएमआई वगैरह जो भी है सब मिला के 40,000 चाहिए। किसी का 30,000 होगा, किसी का 25,000 होगा, किसी का लाख भी हो सकता है, आपके लाइफ स्टाइल पे डिपेंड है। जितनी भी आपकी ब्रेक इवन है उतना तो आना ही चाहिए। और स्पेशली जो फुल टाइम माई लाइफ स्टाइल कर रहे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, भैया तेरा ब्रेक इवन पॉइंट तुझे मेंटेन करना ही है। अगर ब्रेक इवन से कम आया तो तू लॉस में गया, अगर उससे ज्यादा आया तब तू प्रॉफिट में जाएगा। देखो आपके अगर सपने हैं जो माई लाइफ स्टाइल सब पूरे करने चाहते हैं तो सपने तब पूरे होंगे जब आपकी इनकम ब्रेक इवन से ज्यादा आएगी। अगर ब्रेक इवन से कम आएगी तो तू कभी सपने पूरे नहीं कर पाएगा, सालों साल तो इसी चलेगा। ये चीज मुझे समझ में आई। और जब मुझे ये पता चला कि बिजनेस में ब्रेक इवन बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो मेरा डे वन से टारगेट एक ही रहा, ब्रेक इवन मेंटेन कर राजेश, उसके नीचे मत जा, उसके नीचे तू गया तो तू और लाइबिलिटी में जाएगा। अभी तो 25-26 लाख का है, अगर वो कब्जे में गया तो 40-50 लाख हो जाएगा। तो मेरा टारगेट था इसके नीचे नहीं जाना है। और मैं हमेशा अपने ब्रेक इवन को मेंटेन, और मैं सभी लीडर्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया कुछ भी हो जाए तेरा ब्रेक इवन मेंटेन होना चाहिए। चाहे कोरोना आए, चाहे भूकंप आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, महीने का ब्रेक इवन निकलना ही चाहिए, तब तू बिजनेसमैन है माई लाइफ स्टाइल का। और ये चीज मैंने डे वन से फॉलो की। और जितने भी लीडर्स मेरे टीम में हैं मैं उनको यही समझाता हूँ कि ये अगर आप कामयाब हो गए तो आप इस बिजनेस में बहुत आगे जाओगे। नहीं तो जितना भी टैलेंट है आपका ये किसी काम का नहीं टैलेंट, अगर आप ब्रेक इवन नहीं करते हो तो। और ये चीज डे वन से करने का नतीजा ये रहा, इस अपॉर्चुनिटी में मुझे मेरा जो गोल था, जो मेरा मकसद था जिसके लिए मैं आया था, मेरी लाइबिलिटी, मैंने हार्डली 20 से 21 महीने में, मुझे लगे उस 20-21 महीने में मैं इतना पैसा कमा चुका था, यानी तकरीबन 2 साल के अंदर कि मैं लाइबिलिटी फ्री हो गया था। यानी जो मेरे सर पे कर्ज था उस 25-26 लाख का मैंने 2 साल में खत्म कर दिया और मैं फ्री। और तब तक आपको बता दूं, तब तक मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी, 2-व्हीलर तो बहुत दूर की बात है। ऐसा नहीं कि मैं साइकिल नहीं ले सकता था या मैं 2-व्हीलर नहीं ले सकता था, मैं लिया नहीं। इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप जानते हो अगर आप गाड़ी से घूमोगे और लोगों का उधार लिए हो
तो लोग कैसे होते हैं, लोग तुझे पकड़ेंगे तभी गाड़ी ले लेंगे, बोलेंगे तू जा। मैं इतना तो होशियार था, बोला ठीक है भाई अपने पास कोई गाड़ी नहीं है। मैंने सारा बिजनेस आप बिलीव नहीं करोगे मुंबई की लोकल ट्रेन और BST की बस में घूम घूम के किया, चार चार छह छह किलोमीटर में पैदल चलाऊ। अब इस संतोष वायल सर बता रहे थे कि उनके भी लाइफ में वो दिन था जब वो एक वड़ा पाव बड़ी मुश्किल से खा पाते थे, वैसे कई रातें मेरी भी गुजरी है, कई रातें मैं ऐसे बार कई बार लास्ट लोकल ट्रेन छूट गई, मुंबई के दादर स्टेशन पे रुकना पड़ा क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न में गया हूँ, वेस्टर्न की मीटिंग खत्म करके फिर हेलो, मुझे लग रहा है फिर से नेट का प्रॉब्लम है, शांत रहिए जुड़ जाएगा। ओके सो अभी ये डिस्कनेक्ट हो गए बाग, इससे एक चीज समझ में आती है कि लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे आते रहेंगे आपको। हम मुझे पता है जितने भी प्रॉब्लम आप फेस करोगे ना उतने आगे जाओगे, जैसे कि आज ट्रेनिंग में भी हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बाग, डिस्कनेक्ट होना ये सब होना। तो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा अब और आपको उस चीज़ों पे लेके आऊंगा क्योंकि वक्त वैसे भी काफ़ी हो चुका है। यस, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमको ब्रेक इवन समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा ब्रेक इवन क्या होता है और जब आप ब्रेक इवन पे जाते हो तब आप इन चीज़ों को कर पाते हो। जैसे मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट पार्ट था और इसी के वजह से मुझे ये कामयाबी मिली, मैं यहां तक आया। ब्रेक इवन मेंटेन करिए और आपकी टीम में जब ब्रेक इवन होने लगता है तो टीम बिल्ड भी बहुत अच्छी होती है और यही वजह रहा कि मुझे टीम बिल्डिंग सीखा मैं कि इस बिजनेस में और बड़ा पैसा कमाना है तो अच्छी टीम बनाना पड़ेगा। टीम बनाना यानी क्या, अपने लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं उनकी आमदनी निकाल के दीजिए। और मुझे जब ये समझा तो मेरा एक ही टारगेट, मेरे टीम के हर लीडर इस बिजनेस से अच्छा पैसा कमाए। तो टीम बिल्डिंग करने के लिए क्या लगता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके लिए आपको फील्ड में हमेशा एक्टिव होना पड़ेगा, आप एक्टिव रहिए फील्ड में। दूसरा, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करिए अपने टीम के साथ, अच्छा उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई लोगों की चीजें हमें पसंद नहीं होती है फिर भी हमको इग्नोर करना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है क्योंकि हम बिजनेस करने आए हैं तो बिजनेस के अंदर हर चीज अपने हिसाब से नहीं होगी। तो आप एक अच्छा रिलेशन बनाइए और अच्छा रिलेशन बनाने के लिए हमको इस चीज को हटाना पड़ता है जिसका नाम है ईगो। हर चीज जैसे मैंने कहा अपने मन मुताबिक नहीं होगी लेकिन आपको उसको छोड़ना पड़ता है। और फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट, बातें कम एक्शन ज्यादा। कई लोग बातें बहुत करेंगे लेकिन काम बहुत कम करेंगे। मैं हमेशा बिलीव करता हूं एक्शन ऑलवेज लाउडर देन स्पीक। आपकी बातें नहीं आपका काम बोलना चाहिए, आपकी आमदनी बोलनी चाहिए। ये होगा तब आपकी अच्छी टीम बनेगी। टीम बिल्डिंग करने के लिए फील्ड वर्क करना, अच्छा रिलेशन बनाना, उनके साथ फील्ड में घूमना, उनको मदद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा शुरू के 6 महीने एक नए आदमी के अपने टीम का हिस्सा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत वही करता है जो टीम का हिस्सा है। मैं खुद ही टीम का हिस्सा नहीं हूं तो मेरे लोग कैसे टीम का हिस्सा बनेंगे। पहले आप तो टीम का हिस्सा बनिए तब आपके लोग आपकी बात सुनेंगे और फिर
आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मैंने भी ये सारी चीजें सीखी और वो सारे चेंजेस मैंने अपने अंदर लेके आए, तब जाके मुझे ये कामयाबी मिली। मैं आपको बताना चाहूंगा क्या चेंजेस, की ऑफ द सक्सेस क्या रहा मेरे कामयाबी का, पूरा मैं सारांश आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, एक सही सोच बिल्ड करना, सही सोच, राइट एटीट्यूड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। लोगों की सोच ही गड़बड़ होती है तो सब काम गड़बड़ हो जाता है। राइट एटीट्यूड यानी क्या, सिस्टम फॉलो करना, थोड़ी सी फील्ड में मेहनत करना, थोड़ी सी पेशेंस रखना और परसिस्टेंसी, लगातार लगातार काम करना, थोड़ा संयम रख काम को। एक दिन काम करते 10 दिन छोड़ देते कुछ नहीं होगा। अभी लॉकडाउन एक बड़ा बहाना मिल गया लोगों को, सब बंदे कैसे काम करो। डेफिनेटली पहले 2-3 हफ्ते हर कोई कंफ्यूज था, मैं भी कंफ्यूज था यार अब कैसे होगा क्या होगा। उसके बाद ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला, जूम का प्लेटफॉर्म मिला, हमारा बिजनेस धीरे धीरे टर्न होने लगा। फिर इतना बड़ा काम हो गया कि हम सोच भी नहीं पाए लॉकडाउन में इतना बिजनेस आएगा। थोड़ा संयम रखना पड़ता है, समस्याएं आती है, संयम रखिए, लगातार काम करते रहिए। देखिए पिछले हफ्ते का मैं अगर आपको टर्नओवर बताऊं, ये भी गया नहीं उसकी नहीं, जो लास्ट हमारा मंथ का क्लोजिंग था 2 हफ्ते पहले वाला, 5 करोड़ से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम हमारी टीम ने जनरेट किया। 5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, रुपीस में देखेंगे तो कभी कभी 6-7 करोड़ रुपए हुए होंगे। आज इस लॉकडाउन में कंटिन्यू 2,10,000 लोग ले हुए, मैं तो ले ही हुआ हूं, मेरे साथ कई लीडर्स ले हुए कंटिन्यू हफ्ते का 2,10,000। उसके अलावा मंथली इनकम अलग सोच के देखिए, आज महीने का 30-35 लाख रुपए अगर इस बिजनेस में आ सकता है तो कितनी बड़ी बात है, और इस लॉकडाउन में आ सकता है तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है सर। बस राइट एटीट्यूड बना के रखिए, संयम रखिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब आप कामयाब बनेंगे। परफेक्ट फॉलोअर बनिए, अच्छा रिलेशन टीम के साथ बनाइए, फोकस अपने गोल पे रखिए। जैसे मेरा फोकस, मैंने कभी गाड़ी ये फोकस नहीं था, फोकस में भी लाइबिलिटी थी, बाद में सपने बने, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां लेना चालू किए। फोकस अपने गोल पे रखिए, जिसके लिए आप ये बिजनेस कर रहे हो वो पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट ओरिएंटेड, जैसे मैंने कहा ब्रेक इवन पॉइंट याद रखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड आप बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। और मेरे पूरे सक्सेस का आवाज ये रहा जिस वजह से मैं इस बिजनेस में मेरे जैसे कई लोग आज सक्सेस बने हैं। और ये राइट एटीट्यूड, राइट डायरेक्शन में काम करना, ये बड़ी कामयाबी दिलाई। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज को समझेंगे और आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे तो आपका भी इस राइट एटीट्यूड से बहुत फास्ट रैंक चेंज होगा। मेरा रैंक चेंज करने की वजह ये रही, राइट एटीट्यूड बनाया, सही टीम बिल्डिंग किया और टीम का नतीजा ये रहा कि रैंक बदलते गया। आप इस बिजनेस में हो, अगर बड़े ड्रीम पूरा करने चाहते हो तो अपने रैंक को बदलते रहिए। डायरेक्ट सेलर से यानी डिस्ट्रीब्यूटर से आपको NTC बनने तक हर समय पे, यानी कभी कभी आपको STC तक आने के लिए हर 4-5 महीने बहुत है। पहला रैंक TC लेने के लिए हार्डली 3-4 महीने लगने चाहिए। मैं नया आज जुड़ा समझो तो विदिन 3-4 मंथ्स में टीम कोऑर्डिनेटर होना ही चाहिए। फिर अगले 3-4 महीने में ATC, फिर DTC, हर 3-4 महीने, ये मैक्सिमम समय बताओ। कई लोग तो 2-2 महीने में चेंज कर रहे, बहुत बड़ी बात है। STC डिस्ट्रीब्यूटर से STC हर 3-4 महीने में रैंक बदलनी चाहिए। STC से लेके NTC यानी STC RTC NTC जाने में 6-8 महीने लग सकते हैं आपको, लेकिन चेंज होना ही चाहिए। NTC से ITC बनने में शायद आपको 1 साल लग सकते, 14 महीने 15 महीने भी लग सकते, लेकिन ये होना चाहिए, इससे ज्यादा समय ना लगे। तो आपका समय समय पे रैंक चेंज करिए। अगर आप सही रैंक चेंज करते तो 5 साल में आप इस बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर से ITC जा सकते हैं। ये मैं मैक्सिमम समय बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम। हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जांपल है, 2-2 साल में 3-3 साल में लोग ITC बन गए। मैं तो आपको 5 साल बता रहा हूँ, डबल समय बता रहा हूँ। आपका रैंक बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रैंक चेंज करने के लिए वीकली और मंथली इनकम ये लेना बहुत है। कौन रैंक बदलते आप देखिए, जो ये हर महीने लेते वीकली और मंथली के चेक्स, उनका रैंक चेंज होते रहता है। और उसके लिए मुझे सेल्फ असेसमेंट, बार बार अपना असेसमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ये कब करना है, महीने में 1 बार। कौन करेगा, आपके सक्सेसफुल अप्लाई,
उनके साथ बैठिए सेल्फ असेसमेंट। ये लॉकडाउन पीरियड तो बहुत सही समय था आपको अपनी लाइफ का सेल्फ असेसमेंट करना। लॉकडाउन जब शुरू हुआ था तो शुरू के जो भी ट्रेनिंग हुए थे उसमें मैंने लोगों को यही बताया, भैया अब ये समय है तुझे सेल्फ असेसमेंट करने का। तू सोच लाइफ में क्या चाहता था, क्या मिला नहीं मिला, कहां तक गया, तेरी फैमिली को कैसी लाइफ देना चाहता था, कब तू सेल्फ असेसमेंट, दिस इज द बेस्ट टाइम। और बहुत लोगों ने किया, अपनी कमियां लिखी, सर मैं ये चेंज नहीं किया इसके लिए मैं पीछे रह गया, आज भी मैं ये काम नहीं कर पाता हूं इसके लिए मैं पीछे रह गया। लोगों को समझ में आया, लोगों ने उसके ऊपर काम किया, अब देखना उनका रिजल्ट कैसे बढ़ेगा। ये सेल्फ असेसमेंट होते रहना चाहिए। कई बार हमको थोड़ा सा सक्सेस मिल जाता है तो हमको लगता है मैं दुनिया का ज्ञानी आदमी बन गया, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, फिर मैं लोगों के बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर देता हूँ, लोगों की उठपटांग बातें करने लगता हूँ और आप बिजनेस से आउट होने लगते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट सही व्यक्ति के साथ करिए, आपके सीनियर सबसे बेस्ट पर्सन है जो आपको ले जाएंगे, आपको ये बताता है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो फेलियर की तरफ है या सक्सेस की तरफ है। तो बीच बीच में आपका सेल्फ असेसमेंट होते रहिए और तब आप इस सक्सेस या फेलियर को समझ पाएंगे। और आपकी एक फाइनेंशियल प्लानिंग, ये उन लीडर के लिए मैं फिर कहूंगा जो हमारे बिजनेस में फुल टाइम है या जो भी इस बिजनेस के साथ है, ये चीजें होनी ही चाहिए आपके लाइफ में। और इस कोरोना ने, लॉकडाउन ने तो हमें और इसको इम्पोर्टेंस इसका बढ़ा दिया, क्या है, आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए अगर आपको अच्छी लाइफ जीनी है, तो हमेशा टर्म इंश्योरेंस रखिए। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है आप गूगल सर्च करिए, आपको सब समझ में आएगा, या आपके सीनियर को सब पता है और आप उनसे पूछिए। मेडिक्लेम पॉलिसी होना बहुत जरूरी है, हेल्थ पॉलिसी, ये आपके लाइफ में लाइए। एक SIP करना स्टार्ट करिए आप, म्यूचुअल फंड में आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करिए, महीने के कुछ पैसे डालिए, आपके फ्यूचर के लिए है। और एक ये कंटिंजेंसी फंड, आज ये फंड इमरजेंसी फंड, इसकी इंपॉर्टेंस आज लोगों को समझ में आ रही है। मैं अपने हर मीटिंग ट्रेनिंग में ये चीजें लोगों को बताता हूँ, खास करके हमारे STC अबाव की जो LDP मीटिंग होती है उसके अंदर तो ये हम कंपलसरी कराते, भाई आपको लेना ही है ये चीजें, आपकी लाइफ हमेशा बैलेंस रहेगी, आप कभी लाइफ में नीचे नहीं जाओगे, हमेशा ऊपर जाओगे। आपकी लाइफ में बड़ी कामयाबी चाहते हो ना, तो ये चीजें होनी ही चाहिए आपके लाइफ में। आज कंटिजेंसीज क्या है, हमने कहा भाई अगले 6 महीने का खर्चा आपके पास होने चाहिए, उसे बोलते हैं कंटिजेंसी। अब तो ये समय कि 1 साल का होना चाहिए आपके पास, आपके FD में, बैंक अकाउंट में ये पैसे होने चाहिए, या डेट फंड में ये पैसे होने चाहिए। ये आपके लीडर से डिटेल पूछिए, आपको समझाएंगे। ये सब करोगे तो आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है ना, ये हमेशा रिच में रहेगा, आपको कभी पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। रिच यानी वो रिच नहीं, मैं टाटा अंबानी वाला रिच नहीं बता रहा हूं आपको, मैं वो बता रहा हूं जो आप अपनी फैमिली के यानी अपने समाज के अपने लोगों के अंदर सबसे रिच रहोगे। आप जो अपनी फैमिली को देना चाहते हो आप दे सकते हो, वैसा आपका फाइनेंशियल स्टेटस बनेगा अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो। याद रखिए इसके लिए माई लाइफस्टाइल से वीकली और मंथली इनकम लेना बहुत जरूरी है, तब आप ये सारी चीजें हासिल कर सकते हो। जब मैं आया था इस बिजनेस में ना, मैं इसकी लास्ट कैटेगरी में था, नीचे वाले में, बैंक वर्क समझते हो गए यानी खत्म, दिवालिया, मैं भी हालत वो थी, मैं लाइबिलिटी डेब्ट जो बोलते आप लाइबिलिटी, मैं भी गुड भी नहीं थी, जो खा पी के सुखी हो गुड बोलते, और जो गुड में थे ना, इस लॉकडाउन ने 2 महीने ने सिखा दिया, 2 महीने में गुड से डेब्ट पे आ गया हो, अगर ये लंबा चला ना हो तो डेब्ट से बहुत सारे लोग बैंक वर्क में आ जाएंगे। इसके लिए सरकार ने सब कुछ वापस चालू किया, उनको पता है ये ज्यादा दिन रखेंगे तो हमारे देश में बैंक वर्क लोग ज्यादा बच जाएंगे। तो आपका स्टेटस हमेशा इसमें होना चाहिए, और ये सब पाने का एकमात्र जरिया है, दैट इज द माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को हमेशा रिच में देखना चाहते हैं, आपकी फैमिली को हमेशा खुशी देना चाहते, अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो आपके पास एकमात्र विकल्प है, दैट इज द माई लाइफस्टाइल, और कोई ऑप्शन नहीं। हम जैसे आम आदमी के लिए तो है ही नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं हम जैसे साधारण लोगों के लिए इससे बढ़ के कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सोच के देखिए ना सर, क्या इन्वेस्टमेंट है हमारा, कुछ प्रोडक्ट खरीदना, बस थोड़ा समय देना,
नियम के साथ बिजनेस करना, इतना सा काम, इतना बड़ा इनकम, यही है माय लाइफस्टाइल। और जिन लोगों ने ये किया, मैंने यही काम किया, जैसे सर ने कहा, मैं पहले सच में मैं बहुत जीवो में था, जीवो नहीं, सर ने तो ट्रेनिंग का नाम रखा जीवो टू हीवो, मैं बोला सर गलत नाम रखे आपने, माइनस टू हीवो बोल सकते, मैं तो माइनस में था भाई, माइनस से जीवो में आया, जीवो से फिर आगे गया, ये बड़ा मुश्किल दौर था मेरे लिए, जब मेरे साथ कोई आने को, बड़ी मुश्किल से मैं कुछ लोगों को ले आ पाया, फिर उनसे टीम बनाना शुरू किया, और ये सारी कामयाबी माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की है। मैं माय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिसकी बदौलत आज ये मुझ जैसे कई लोगों को कामयाबी मिली। मेरे ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे फाउंडर श्री दयालंद सर को तहे दिल से वंदन करता हूँ। और ये सक्सेस पाने के पीछे मेरे सारे टीम लीडर्स, उनको जितना थैंक्स कहूँ कम है, आज मेरी जिंदगी बनने की वजह ये सभी लीडर्स हैं, उनको तहे दिल से वंदन करता हूँ। आज के आपके ग्रेट लीडर संकेत सर, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि ड्रीम देखना मैंने उनसे सीखा है, ड्रीम क्या होता है, ये सपने बड़े कैसे होते, ये संकेत सर एक लाइव एग्जाम्पल है हम सबके लिए। और ऐसे तमाम लीडर्स हैं यहाँ पे, जिन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, मैंने जितना अपने लीडर से सीखा है ना, उतना अपलाइन नहीं हमको सिखाया जितना हमारे टीम के लोग हमको सिखाते। तो हर आदमी से सीखने जैसा बहुत कुछ है, मैं बोलता हर आदमी आपको सिखाता, आप सीखिए उनसे, और ये माय लाइफस्टाइल में कर लिए ना, तो बहुत बड़ी कामयाबी है। अब कई लोग इतना सब जानने के बाद, हर दिन मीटिंग ट्रेनिंग जूम के माध्यम से सुनने के बाद भी कई लोगों को बिलीव नहीं होता कि माय लाइफस्टाइल क्या फ्यूचर दे सकती है। मैं आपको जाने से पहले आपको बता के जाना चाहता हूँ, आप किस बिजनेस में आए हैं, आपको ये अंदाजा भी नहीं है आप किस तरह की इंडस्ट्री में हो, तो मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ आप किस तरह की इंडस्ट्री में हो। एक प्रोडक्ट हमारे देश में बिकता है, ये 2013 में ये बिक रहा था 5,700 करोड़ का, जिसका नाम है टूथपेस्ट, अलग अलग सारे टूथपेस्ट मिला के 5,700 करोड़ का टर्नओवर जुलाई 2013 में था। पता है आज इसका टर्नओवर क्या है, टूथपेस्ट का मार्केट 80 बिलियन, यानी करीब 8,000 करोड़ का मार्केट है टूथपेस्ट का। सारी कंपनियां इसके अंदर आप देख ले, जिसके अंदर मेजर शेयर होल्ड करता है कोलगेट, जो 52% होल्ड करता है, डाबर 12% है, हिंदुस्तान लीवर का 17% है, पतंजलि नियर अबाउट 8% मार्केट यूज करता है टूथपेस्ट का, उनकी दंत कांति एक बार। पता है जिस देश में 8,000 करोड़ उपभोक्ता कंज्यूमर साल में खर्च करते केवल दांत साफ करने में, और पता है हम क्या करते सुबह सुबह उठ के, इतना सा टूथपेस्ट, इतना सा लेते हैं, लगाते हैं, और आप क्या करते हो उसको, उस टूथपेस्ट को अंदर लेते हो या बाहर, आप थूक देते हो। यानी हमारी हिंदुस्तान की जनता सुबह सुबह थूकने की ताकत 8,000 करोड़ है। सोच के देखिए आप किस फील्ड में है, 8,000 करोड़ हमारे हिंदुस्तानी लोग थूक देते सुबह एक प्रोडक्ट यूज करके। याद रखिए आप उस इंडस्ट्री में आए हो भाई, आप देखिए आप किस इंडस्ट्री में हो। सोप 19,000 करोड़ का साबुन बिकता है जिस देश में साल का, हैंड वॉश 1,000 करोड़ का था, अब ये कोविड के ये हैंड वॉश ही मुझे लगता आने वाले दिनों में 4-5,000 करोड़ का हो जाएगा, हैंड सैनिटाइजर का बहुत छोटा मार्केट था। आप देखिए, आप सोचते होंगे ये कुछ ब्रांड है हमारे देश के जो बिकते हैं, लाइफ बॉय बिकता है करीब 2,000 करोड़ से ज्यादा, सोच के देखिए जिस एक एक ब्रांड, लक्स बिकता है 1900 करोड़, गोदरेज 1,000 करोड़ के साबुन बेच रहे। आपको मैं ये लेटेस्ट न्यूज दिखाता हूँ, हमारे देश में 3 ब्रांड साबुन के, लाइफ बॉय, लक्स, संतूर, 2,000 करोड़ के आसपास के ये बिकते हैं एक एक ब्रांड, और इनका मार्केट देखिए कहाँ है। ये लोगों को ये लगता है ये केवल शहरों में बिकता है, मेरे भाई गलत सोच है, गांव में सबसे ज्यादा बिक रहा है, गांव में रूरल मार्केट देखिए क्या है, लाइफ बॉय का 21% मार्केट गांव से आता है,
सोचिए संतूर भी गांव में 16% मार्केट कवर करता है, 19,000 करोड़ का मार्केट केवल नहाने के लिए सोप, 8,000 करोड़ दांत घसने के, आप उस मार्केट के हिस्से में आए हो, हमें अपनी ताकत का एहसास नहीं था। उपभोक्ताओं की ताकत, कंज्यूमर की ताकत माय लाइफस्टाइल ने सिखाया, हमें नहीं पता था। कपड़े धोने का एक साबुन आता है, पता है 17,000 करोड़ का कपड़ा धोने का, क्यों टीवी पे इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है? इसमें एक ब्रांड है, घड़ी डिटर्जेंट का नाम आपने सुना होगा, जिनका स्लोगन है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। 3,700 करोड़ का केवल घड़ी डिटर्जेंट बिकता इस देश में, एक ब्रांड 3,700 करोड़ का घड़ी बेचता है। आप देखिए टाइड का, सर्फ का, व्हील का, एवियल का, ये मार्केट में आप आए हो मेरे भाई, आप सोचिए क्या मार्केट है ये, आप सोच नहीं सकते हो। हमारे देश में 8,700 करोड़ का हेयर ऑयल बिकता है, हेयर ऑयल जिसके अंदर कोकोनट ऑयल का मार्केट 43% है, ठंडा ठंडा कूल कूल जो आता है वो 10% शेयर करता है। 8,700 करोड़ का हेयर ऑयल, इतना बड़ा मार्केट शेयर है। आयुर्वेदिक मार्केट जैसे ने मैंने बताया $8 बिलियन, पूरे वर्ल्ड का मार्केट है, इंडिया का मार्केट है ये। 2021-22 में, 2016-17 में ये $2.5 बिलियन था, अब ये $8 बिलियन होने जा रहा है, सोच के देखिए। यानी करोड़ों हजारों करोड़ का आयुर्वेदिक का मार्केट है मेरे भाई, हजारों करोड़ जो आयुर्वेदिक हमारे आपके पास है, जिसको टाइम्स ग्रुप ने बेस्ट ब्रांड का अवार्ड दिया हुआ है, वैसे प्रोडक्ट आप बेचने निकले हो, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बता रही है इतना बड़ा मार्केट 21-22 में हो जाएगा, सोच के देखिए। वही आयुष के सर्टिफाइड प्रोडक्ट हम और आप बेच रहे हैं। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का मार्केट देखिए क्या है, जो हमारे ऑनोन के प्रोडक्ट हम दे रहे, 54,000 का करीब मार्केट 2019-20 में है भाई। न्यूट्रिश सीएल प्रोडक्ट जो बोलते हैं हम, जिसके अंदर हमारा कवच पास है, जिसके अंदर हमारा न्यूट्री लाइफ है, स्पुलिना गोल्ड है, हमारा प्रोटीन पाउडर है, हजारों करोड़ का मार्केट एक एक प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई। और ये देखिए ये कुछ कंपनियों की, ये आज से करीब 4 साल पहले की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ, सॉरी 2017 की ये रिपोर्ट है, 3 साल पहले की। 2017 में हिंदुस्तान लीवर 30,000 करोड़ का माल बेचता था, पतंजलि 10,000 करोड़ की कंपनी थी, नेस्ले करके कंपनी है, छोटी सी देश यूरोप की नॉर्वे जैसी, जिसकी पॉपुलेशन देखेंगे तो मुझे लगता है मुंबई से भी कम होगी, नेस्ले यानी महाराष्ट्र से भी कम पॉपुलेशन, 9,000 करोड़ का माल बेचता है। ये सारी इसमें विदेशी कंपनियां हैं, 2-4 कंपनी छोड़ के। आज ये मल्टीनेशनल कंपनियों को पता चल गया हिंदुस्तान की ताकत क्या है, मल्टीनेशनल कंपनियों को, हमें आपको अपनी ताकत नहीं पता चली, इनको समझ में आ गया कि लोगों की ताकत का फायदा हम कैसे ले सकते हैं, लेकिन हमको आपको ये नहीं समझ में आया हमारी ताकत का फायदा ये बड़ी कंपनियां लेने के बजाय हम क्यों ले, क्यों ना हम ही उसका बेनिफिट ले। आज ये मौका आपको मिला मेरे भाई, और ये माई लाइफ स्टाइल आपको दे रही है, ये मौका आपको माई लाइफ स्टाइल दे रही है। आप ये लाखों करोड़ों की इंडस्ट्री में आए हैं, लाखों करोड़ की इंडस्ट्री के आप हिस्से बन रहे। आज ये जो आप लिस्ट देख रहे हो ना, कुछ सालों के बाद आप इसमें माई लाइफ स्टाइल का नाम देखोगे, आप माई लाइफ स्टाइल दिखाएगी, हम टूथपेस्ट इतना बेचते, आयुर्वेदिक इतना बेचते, हेयर ऑयल इतना बेचते, जो आज पतंजलि दिखा रहे हो हम कुछ साल के बाद दिखाएंगे। ये पावर आज हमारे अंदर है, मुझे जहां तक लगता है लास्ट ईयर माई लाइफ स्टाइल ने भी 1,000 करोड़ के आसपास का तो बिजनेस किया ही होगा, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता अभी, लेकिन नियर अबाउट 1,000 के आसपास का तो होगा, लेकिन आने वाले में लिख के देता हूं कुछ सालों के अंदर ये हमारा बिजनेस 10 टाइम ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, 10 टाइम्स। और इस लॉकडाउन में ये समझ में आ गया लोगों को कि कंज्यूमर की ताकत क्या होती है, क्योंकि कंज्यूमर ओरिएंटेड ही बिजनेस चला लॉकडाउन में, बाकी सब बंद था।
और हम सब कंज्यूमर ओरिएंटेड ही प्रोडक्ट देवे, और ये मौका आपके पास है मेरे दोस्त, और यही बिजनेस यही मार्केट अब गवर्नमेंट भी हमें बता रही है कि इंडियन कंपनियों के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। आत्मनिर्भर भारत, क्या है आत्मनिर्भर भारत? अगर मैं बताऊं सही, आत्मनिर्भर का कोई बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, उसमें से एकमात्र एग्जांपल मुझे दिख रहा है, दैट इज द माई लाइफस्टाइल कंपनी, बेस्ट आत्मनिर्भर का एग्जांपल। इंडियन साइंटिस्ट, इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन मार्केटिंग कंपनी, इंडियन कंज्यूमर, इंडियन लोग ही डिस्ट्रीब्यूटर, इससे बड़ा आत्मनिर्भर और क्या होगा मेरे भाई? ये है माई लाइफस्टाइल आने वाले दिनों का भविष्य। और मैं लिख के देता हूं, इस देश की इकोनॉमी के अंदर, इस देश की पर कैपिटा इनकम के अंदर सबसे बड़ा योगदान आने वाले दिनों में कोई प्ले करेगी तो डेविक सेलिंग इंडस्ट्री की माई लाइफस्टाइल करेगी। डेविक सेल्स में बहुत कंपनी आए, लेकिन माई लाइफस्टाइल की जैसी कोई कंपनी नहीं है। इतना ग्रेट मैनेजमेंट हमारा, इतने ग्रेट लीडर्स है यहाँ पे, और इतने बेहतरीन साइंटिस्ट और कंसल्टेंट हमारे हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आज हमें देवे। सच मैं आपसे एक ही कहूंगा, आप इस बिजनेस को इतना छोटा मत सोचिए, इस बिजनेस को बहुत बड़े रूप में देखिए, और ये आपकी लाइफ को बदलने वाला बिजनेस है। जाते जाते यही कहूंगा, उस ऊपर वाले भगवान ने आपके ऊपर दया की, हमारी अच्छे कर्मों का, हमारे माँ बाप के अच्छे कर्मों का ये फल हमें माई लाइफस्टाइल के रूप में मिला। इसे इस्तेमाल करिए, सीरियसली करिए, अपने लीडर्स को फॉलो करिए, इस सिस्टम को फॉलो करिए। मैं लिख के देता हूँ, आने वाले 4 से 6 सालों में, यानी अगले 5 सालों में, हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अमीर बनाने वालों में कोई कंपनी का नाम होगा तो एकमात्र कंपनी होगी, दैट इज द माई लाइफस्टाइल। और मैं सच कहता हूँ, आम आदमी को, साधारण लोगों को, मैं हमेशा सोचता हूँ, अगर मेरी जिंदगी में माई लाइफस्टाइल नहीं आई होती तो मेरी लाइफ क्या होती थी, सोच के भी डर लगता है। आज इतनी अच्छी लाइफ, महीने की लाखों की आमदनी, अनबिलीवेबल है यार। मैं कभी नहीं सोचा था जिसके पास साइकिल नहीं हो 1.5 करोड़ की गाड़ी में घूमेगा, अनबिलीवेबल लाइफ। और ऐसे कई गाड़ियां हमारे टीम में आज लोग लिए, ऐसी कोई इंडिया की लग्जरी ब्रांड नहीं जो हमारे लीडर लेके नहीं घूम रहे, दैट इज द एकमात्र इन लोगों ने माई लाइफस्टाइल पे विश्वास किया। केवल विश्वास ही नहीं किया, उसके लिए दिन रात एक भी किया, और आज ये लाइफस्टाइल और जीव है, और यही मौका आपके पास है मेरे दोस्त। ये समय बदल चुका है, लास्ट में एक ही कहूंगा, आप समय की नजाकत को समझिए। वक्त को जो पहचानना सीख गया ना, वही आगे जाके अपने जीवन का सिकंदर बनता है। अगर आप वक्त को आज नहीं पहचानोगे, कल बहुत देर हो जाएगी। आज ये मौका आपके लाइफ में आया है, इसे सीरियसली लीजिए, और अपने परिवार के सपने पूरे करिए, अपनी बेहतर लाइफ को जिए, और इस माई लाइफस्टाइल के संग लाइफ जीने का मजा ही कुछ अलग आता है। इसको एंजॉय करने का जीवन का एकमात्र है वो है माई लाइफस्टाइल बिजनेस। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे, सुने होंगे, और कुछ बीच बीच में टेक्निकल गड़बड़ियाँ आई, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शुरू में थोड़ा देर हुआ, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में हम एक एग्जाम्पल बने अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, कि माई लाइफस्टाइल ने कैसे हमारी लाइफ को बदल दिया, तो यही हमारे लिए सच्ची सक्सेस होगी। और इसी सक्सेस को आप लोग एंजॉय करिए, यही मेरी आपसे सभी लोगों को ग्रेटिट्यूड, मेरा थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों को थैंक यू वेरी मच। और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको हमेशा खुशहाल रखे, इस महाबीमारी से बचा के रखे, हमारे हेल्थ प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहिए, अपनी फैमिली को सेफ करिए, और अच्छी आमदनी के साथ अपनी फैमिली के सपनों को भी पूरा करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जय माई लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो कॉन्फिडेंस हम लोगों में डाला है वो डेफिनेटली रिजल्ट दिखाएगा। और मैं ये जानता हूँ, चाहता हूँ, और ये मुझे मालूम है, जो लोग आपका इंतजार कर रहे थे वो इसी काम के लिए कर रहे थे, ताकि ये आप ऐसा उनमें कॉन्फिडेंस डालेंगे, वो उनको भी पक्का भरोसा था। सर आपका लाइफ माई लाइफस्टाइल का एक एग्जाम्पल है, आपका लाइफ एक माई लाइफस्टाइल का एक एग्जाम्पल है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आया है वो ये सब लोगों के लाइफ में आएगा,
क्योंकि आपका स्पीच, आपका कॉन्फिडेंस जो आपने पास किया वो इन्होंने ग्रैप किया है, वो इन्होंने कैच किया है। तो यही पे मैं रुकता हूँ सर, आपको थैंक्स बोलते हुए, थैंक यू वेरी मच सर, फिर से आइए, यही विनती करते हुए। और मैं संकेत सर को भी थैंक्स कहूंगा कि जिन्होंने ये बढ़िया प्रोग्राम आपको हमारे लिए दिया, आपको बुला के हम पे एहसान किया, तो मैं संकेत सर को भी थैंक्स कहूंगा और यही पे मैं रुकूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबडी हु इज लिसनिंग टू मी, गॉड ब्लेस यू एवरीबडी। आप ये जो सीखे है वो इम्प्लीमेंट कीजिए और अपना खुद का चेक बनाइए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड ग्रेट नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम।